हेलो फ्रेंड्स मैं मानसी मौर्या एंड आई वॉर वॉचिंग एम डॉट एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हम क्लास एलेवंथ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं और हाँ अगर आप यहाँ पे अभी चैप्टर नंबर सेकंड देख रहे हैं इट मीनस हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अगर अभी तक आपने नहीं देख रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक गिवेन है आप जाके देख सकते हैं इजिली और यार अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे साथ हमेशा सा बने रहें ओके तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ठीक तो चले आगे देखें और हाँ जैसा कि आपको पता है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या था लिविंग वर्ल्ड एंड चैप्टर नंबर सेकेंड क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो देखते हैं भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या कुछ बातें हैं क्या कुछ पढ़ना है हम लोगों को ओके okay? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो यार मैं आपसे सबसे पहले बात कर लूँ कि भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये जो है इसका मतलब क्या है क्लासिफिकेशन मीन्स तो आप जानते ही हो बिकॉज ऑफ हम लास्ट चैप्टर में भी जस्ट पढ़ के ही आए हैं है ना लेकिन बात की जाए भाई क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी है ना क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी तो मैं आपसे बात करूँ देखो आपको पता है कि इतने सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में भाई पढ़ पढ़ पाना नामुमकिन सा है आपको पता है कि वन सॉरी सेवन मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं है ना सेवन मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं अब कोई कहे अगर कोई पढ़ना चाहे कहने की तो बात जाने दीजिए अगर को, कोई पढ़ने का इच्छुक है अगर किसी में क्रियोसिटी है ये बात जानने की कि हाँ क्या कैसे है तो क्या एक बंदा इन सेवन मिलियंस ऑफ स्पेसीज को पढ़ सकता है नहीं जान सकता है भाई उसकी पूरी उम्र निकल जाएगी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी मौत के नज़दीक पहुंच जाएगा लेकिन वो सेवन मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ के बारे में नहीं पढ़ पाएगा तो इसलिए इन्हें क्लासिफाई किया गया कि बहुत ज्यादा अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने की जरूरत ना हो सबको क्लासिफाई कर दिया गया कि हाँ भाई आप जैसे देखते हो कि आपके स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं लेकिन सबको क्लासिफाई कर दिया गया है कि ये बच्चा क्लास फर्स्ट का होगा सेकेंड का होगा थर्ड का होगा फोर्थ का होगा फिफ्थ का होगा सिक्स का होगा सेवन्थ का होगा एट्थ का होगा नाइन्थ का होगा टेंथ का होगा इलेवेंथ का होगा ट्वेल्थ का होगा तो अब टीचर को भी आसानी होती है कि हाँ मैं अगर फर्स्ट क्लास में जा रहा हूँ इवन मतलब किसी भी क्लास में जा रहा हूँ अगर टीचर को पता है कि अगर मैं क्लास ट्वेल्थ में जा रहा हूँ तो यहाँ पे लगभग सेम नॉलेज वाले स्टूडेंट मिलेंगे लगभग सेम एज वाले स्टूडेंट मिलेंगे लगभग सेम नॉलेज वाले स्टूडेंट मिलेंगे है ना उसको पता होता है अगर पूरे स्कूल में सबको ऐसे पढ़ाना हो फिर तो नामुमकिन सा हो जाएगा बातें समझते हैं आप तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी सेम ऐसे ही तो जब हम ऑर्गेनिज्म को एक कैरेक्टर से रिलेटेड जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उन्हें एक क्लास में रखते हैं एक सब ग्रुप में रखते हैं एक फैमिली में रखते हैं एक किंगडम में रखते हैं एक डोमेन में रखते हैं है ना बात समझते हैं एक डोमेन किंगडम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसिज ऐसे ही तो देखे थे हम लास्ट वाली चैप्टर में है ना ये सारी बातें कुछ हो जाती हैं तो अच्छा हाँ जी बिल्कुल अब जो है हमने पीछे देखा था फर्स्ट चैप्टर में कुछ रिलेट कर लूँ फिर उसके बाद चैप्टर पे चलते हैं फिलहाल हम चैप्टर पे आ ही गए हैं हमने देखा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन

ऑर्गेनिज्म थे हम उन्हें मतलब एक ग्रुप में ऐसे रखते चले आए एक कैटेगरी में रखते चले आए कह लीजिए और उनके, उनके को हम नाम दे, 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 दे दिए क्लास नाम दे दिए ऑर्डर फैमिली जीनसिज फै, ये उन ऑर्डर को हम एक नाम दे दिए ठीक है बातें समझते हैं तो फिर उसके बाद सबसे पहले बात की गई टू किंगडम क्लासिफिकेशन की तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हम भाई फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं लिविंग वर्ल्ड में लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो यार ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन से हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे क्यों आना पड़ा ये बात भी जरा देख लेते हैं तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में थी कुछ लिमिटेशंस बातें समझिएगा भाई बातें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ना एकदम बेसिक चल रहा है इसी पे आपके ये आपके चैप्टर की पूरी न्यू है आपको क्या कैसे करना है आगे सब बातें यहाँ पे हो रही हैं सो so, एकदम दिमाग लगा के बैठिएगा आप अपनी एन बुक खोल लीजिए हाइलाइटर पेन पेन वगैरह ले लीजिए ओके हाईलाइट करते चलिए बातें नोट डाउन करते चलिए तो हाँ जी हम बातें कर रहे थे कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन से हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे क्यों आना पड़ा तो मैं बातें बता रही थी आपको कि भाई कुछ लिमिटेशंस थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। देखो हर जगह बातें यही होगी अगर हमें पीछे कमी देखने के लिए मिलेगी तो हम आगे निकल लेंगे तो यहाँ टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये जो कैरोलस जोलास ने दिया था इसमें कमी देखने के लिए मिले तो आए। आगे आगे साइंटिस्ट साइंटिस्ट आए बात समझिएगा आते गए वो टू किंगडम से फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन मिला फोर फाइव इवन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आपको जल्दी ही देखने के, तो यहां देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बातें कहेगी तो हाँ जी मैं आपसे बातें कर रही थी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लिमिटेशंस क्या क्या थी ऐसी क्या कमी रह गई कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे आना पड़ा तो मैं आपको सबसे पहले भाई बता दूं देखो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था हम आज पढ़ते हैं हम आज पढ़ते हैं कि सेल कैसी है भाई प्रो है यू है मतलब हम ये चीजें एकदम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं सेल के स्ट्रक्चर सेल के सेल कंपोजिशन देखने के बाद हम ये सारी चीजें बता सकते थे लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था कि हम बता सकें ये सेल कैसा है भाई यू है या प्रो है हम ये सारी चीजें नहीं बोल सकते थे मतलब इन सारी चीजों के बीच में डिफरेंस करना आसान नहीं था और दूसरी मैं बात करूं आपसे अगर हम ये नहीं बता सकते हैं मतलब कि सेल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ध्यान नहीं दिया गया था अगर हम नहीं बता सकते हैं कि सेल कैसा था प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है इसका मतलब है कि सेल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ध्यान नहीं दिया गया और दूसरी बात मैं आपसे करूँ तीसरी बात मैं आपसे करूँ सेल यूनीलुलर है या मल्टी सेलुलर आज हम ये चीज़ें भी बता सकते हैं ईजिली देख के कि यहाँ सेल यूनिसेलर है या मल्टी सेलर ये सब भी बता लेते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हम ईजली पहले हम ये बता सकते थे हम आज भी ईजली डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट है या एनिमल है तो हाँ जी बस यही उस टाइम में हुआ करता था हम ये चीज़ें आराम से बता सकते थे कि ये प्लांट है या एनिमल है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते थे लेकिन आज की डेट में है हम सब बता सकते हैं तो देखो अगर आप ये चीजें देख रहे हो प्लांट है या एनिमल है लेकिन वहां पे आप ये नहीं डिफाइन कर पा रहे थे कि ये प्रोकैरियोट है या यूरियो इवन फंजाई भी आपका कहाँ रखा गया था प्लांट में फंगस देखो अब प्लांट है और एनिमल है तो प्लांट और एनिमल को अलग करने के लिए प्लांट और एनिमल को पहचानने के लिए हमने कैरेक्टर्स क्या क्या रखे थे हमने Uh, div, uh, मतलब शर्त क्या क्या रखी थी अगर प्लांट है तो क्या होगा देखो भाई अगर प्लांट है तो उसमें एक कैरेक्टर होगा उसमें क्या कैरेक्टर होगा ये प्लांट है तो ये मूव नहीं कर सकता है सबसे बड़ी बात प्लांट है तो ये मूव नहीं करेगा देखो आपके चैप्टर से ही बातें कर रही हूँ मैं सारी बातें आपके चैप्टर से हो रही है यार बस मतलब यहाँ पे कुछ मतलब बेस बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ आपका इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रही हूँ बातें समझिएगा ओके okay? और दूसरी हम दूसरा हमें क्या पता था दूसरा क्या होता है भाई एनिमल्स होते हैं एक तो प्लांट होता है जो कि हम देख के बता देंगे अगर ये मूव नहीं कर रहा है एक ही जगह पे रह रहा है तो ये क्या होगा भाई प्लांट होगा और एक गुड़ था इसका एक क्वालिटी और थी दूसरा ये क्या करेगा फोटोसेंथेसिस करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा अगर ये अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है दूसरा फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो होना हो ये क्या है भाई प्लांट है ये कुछ कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं और एनिमल का क्या इशू था भाई मतलब क्या कैरेक्टर थे एनिमल के एनिमल के लिए कहा गया था कि अगर ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पा रहा है और दूसरा भोजन बना रहा है मतलब भोजन खा रहा है ईट कर रहा है ये दो क्वालिटी है तो ये क्या होगा एनिमल होगा तो क्या ये दो चीजें पर्याप्त हैं किसी प्लांट और एनिमल को डिवाइड करने के लिए आप जरा सोचिए और बताइए प्लांट और एनिमल को डिवाइड करने के लिए क्या यही दो कैरेक्टर काफी है? नहीं ना ये भी तो जानना जरूरी है कि सेल प्रोकैरियोट है या, या यूकैरियोट है सेल ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा है यूनिसेलर है या मल्टी सेलर है ये सारी चीजें भी जानना जरूरी है या नहीं जरूरी है हाँ जी बिल्कुल जरूरी है है ना तो देखो अब कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा देखो अब ये आपका प्लांट में बोला गया है कि ये मूव नहीं कर पाए तो ये प्लांट है तो आपका ये जो ओविलिया स्पॉन्ज वगैरह ये स्पॉन्ज वगैरह है ये मूव नहीं कर पाते हैं सिसाइल होते हैं आपने पढ़ा था एनिमल किंगडम में मेरे साथ है ना सिसाइल होते हैं अब ये सेसाइड है तो इसका मतलब हम इन्हें स्पॉन्ज को ओविलिया को ये थोड़ी कह देंगे कि ये क्या है प्लांट है अब हम इन्हें ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई ये प्लांट है प्लांट नहीं बोलेंगे ना और वहीं पे ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे बात कही गई है कि जो एनिमल है वो वॉक करेंगे ईट करेंगे ऐसा कहा गया है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे एनिमल लेकिन आपका युगलीना है ऐसा तो युगलीना जो है फोटोसिंथेसिस करता है यूगलीना फोटोसिंथेसिस करता है तो हम इसे उठा के प्लांट में थोड़ी रख देंगे या फिर उठा को प्लांट पे रख देंगे तो ये सारे कुछ कैरेक्टर थे जिनकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी अब भाई को कहां रखा जाए फिर है ना अब ये तो ना प्लांट में आ रहा है ना एनिमल में आ रहा है सेम ही कंडीशन स्पॉन्ज की है ना प्लांट में आ रहा है ना एनिमल में आ रहा है है ना मतलब इसके कैरेक्टर को देखते हुए बाकी अब तो ठीक है सब प्लेस्ड है ही अपनी अपनी जगह पे अलग अलग किंगडम में पहले की बातें कर रही हूँ मैं ये ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जरा देखिए इसीलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी है एकदम बेसिक से चल रही हूँ भाई हम दो मिनट लेट पढ़ेंगे लेकिन एकदम सारी बातें क्लियर होंगी है ना ये सारी प्रॉब्लम थी देखो अब फंजाई भी फंजाई कहाँ रखा गया था प्लांटी में रखा था प्लांट में रखा गया था अब आज की डेट में फंजाई एक अलग किंगडम ही लेके घूम रहा है इसकी कंडीशन इतनी अच्छी हो गई है सोचिए तो ये सारी प्रॉब्लम थी अब आगे चलें चैप्टर पे ये रहा आपका चैप्टर देखो सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो देखो यार जब से मतलब कि ये सिविलाइजेशन ये मानव सभ्यता जब से शुरू हुई है न जाने कितने अटेम्प्ट लिए गए हैं किसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के है ना अटैम्प्ट टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म लेकिन मैं आपसे बात करूं भले इतने अटेम्प्ट लिए गए हैं क्लासिफिकेशन के लेकिन इसमें से एक भी साइंटिफिक नहीं रहा है बात सुनिएगा लेकिन इसमें से एक भी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं रहा है अब आप पूछो अगर साइंटिफिक नहीं रहा है तो फिर क्या रहा है कि, किस बेस पे क्लासीफिकेशन किया गया एक भी मतलब ऐसे साइंटिफिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफिकेशन नहीं हुए हैं ओके तो ये जो क्लासिफिकेशन हुए किस बेस पे हुए हैं ये लोगों की नीड के बेसिस पे हुए हैं नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर और ओन यूज़ और ये कैसी नीड थी भाई लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे और ये ज़रूरत कैसी थी मैं आपको बताऊं इनकी ज़रूरत जो थी जैसे इनकी नीड के बेसिस पे हुआ करते थे क्लासिफिकेशन तो जैसे कि अब भाई नीड क्या होगी अब जैसे ये प्लांट को डिवाइड कर देते थे अब इन्हें तो पता ही था कि भाई प्लांट है और क्या है दूसरा दुनिया में एनिमल है अब जैसे प्लांट को ये डिवाइड करते थे कि भाई हाँ ये ऐसा कौन कौन सा प्लांट है जिसको ये खा सकते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिससे अपने क्लॉथ बना सकते हैं जैसे कॉटन वगैरह हो गया है ना और तीसरा क्या था कि मतलब ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिससे ये हाउस वगैरह बना सकते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें ये अपने ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं तो मतलब ऐसे ऐसे ये डिवीजन किया करते थे और एनिमल हैं जैसे ये एनिमल में भी यही देखते थे कि हाँ ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें ये खा सकते हैं ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जिन्हें ये ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं तो ऐसे ऐसे करके ये क्लासिफिकेशन हुआ करते थे पहले के टाइम में ओके okay? मतलब लोग अपने अपनी जरूरत के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया करते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइंटिफिक आप यहाँ पे देख रहे हैं एक भी साइंटिफिक टर्म यूज़ हुआ है नहीं यूज़ हुआ है ना साइंटिफिक टर्म फिर उसके बाद कौन आया फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए अरिस्टोटल अरिस्टोटल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है बातें ध्यान से सुनिएगा अरिस्टोटल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे कुछ क्लासिफिकेशन किया और मैं आपको बता दूं अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है आप बातें ध्यान से सुन लीजिएगा अगर आपसे बात कही जाए हालांकि ये बातें तो आपको पता ही होंगी एकदम बेसिक है फिर भी अगर जिन्हें नहीं पता उसे तो पता चल जाएंगी है ना तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है भाई आपके अरिस्टोटल हैं फादर ऑफ जुलॉजी कौन है भाई आपके अरिस्टोटल हैं और अगर वही भी बात कर ली जाए फादर ऑफ बॉटनी की तो थियोफ्रेस्टस है आपको तो पता ही है है ना तो हाँ जी यहाँ पे हम बातें कर रहे थे कि अरिस्टोटल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन में कुछ साइंटिफिक टर्म यूज किए जिन्होंने कुछ साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया तो वो तो वो साइंटिफिक बेसिस कौन कौन से थे तो देखो अब बातें आ गई कि भाई ठीक है प्लांट और एनिमल अभी भी हैं अभी तक थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया है बातें ध्यान से सुनिएगा ओके तो ये जो है इन्होंने बताया कि भाई दुनिया में दो चीजें होती है एक प्लांट होता है एक एनिमल होता है तो इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट, होते है, प्लांट तरह के होते हैं थ्री ग्रुप में प्लांट को डिवाइड किया इन्होंने इन्होंने कहा प्लांट एक होते हैं पेड़ प्लांट को तीन ग्रुप में डिवाइड किया और दूसरा क्या होता है दूसरी होती है झाड़ी श्रब्स एंड तीसरा होता है साकीय पौधे हर्फ क्या क्या दे, क्या क्या ध्यान से सुनिए देख लीजिए एक तो ट्री श्रब और हर्फ पेड़ और ये क्या है भाई झाड़ी है और तीसरा क्या बताया इन्होंने तीसरे होते हैं साकीय पौधे और फिर उसके बाद ये आ गए एनिमल पे एनिमल में इन्होंने इन्होंने क्या क्या साइंटिफिक टर्म यूज किया क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने बताया कि भाई जो एनिमल होते हैं ये कैसे होते हैं ये दो तरीके के होते हैं इन्होंने एनिमल्स को टू ग्रुप में डिवाइड किया दो ग्रुप में डिवाइड किया इन्होंने बताया कि जो एनिमल होते हैं एक रेड ब्लड वाले होते हैं और एक ऐसे होते हैं जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है तो जिनमें रेड ब्लड होता है उन उनके बारे में इन्होंने कहा कि जिनमें रेड ब्लड होता है तो वो कैसे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं इन्हें में बोलते हैं स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा रेड ब्लड होता है और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं एनिमे बोलते हैं स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा इनमें रेड ब्लड नहीं है इनमें रेड ब्लड है ओके इतना क्लियर होता है अब आगे चलिए इतना हो गया अच्छे से क्लियर हो गया ठीक है उसके बाद आए लीनियस साहब लीनियस साहब लीनियस भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोले कैरोलस लीनियस ने भी यही किया टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सब ग्रुप ऐड हो गए प्लांट में कुछ और प्लांट ऐड कर दिए ये एनिमल्स में कुछ और एनिमल्स यूज कर दिए लेकिन ध्यान रखिएगा अभी तक थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया है ओके एनिमल किंगडम वॉज डेवलप दैट इंक्लूड आल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग बिटवीन यू कैरियर एंड प्रो कैरियर यूनीलर एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिथेटिक ग्रीन एलगी एंड नॉन फोटोसिथेटिक फनजाई ऑर्गेनिजम तो यहाँ पर मैं आपसे पहले भी बोल रही थी पहले भी बातें हमारी हो रही थी इनके जो क्लासीफिकेशन है इनमें फॉल्ट क्या है इनमें कमियाँ क्या है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में देखो पहले भी बातें हमारी हो चुकी है कि ये कौन सी है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है, है, okay? है, है सब सिर्फ प्लांट हुआ करते थे या फिर एनिमल हुआ करते थे बातें समझते हो आप ओके okay, आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजली डन एंड वॉज ई ईजी टू अंडरस्टैंड तो हाँ ये बातें तो थी हम पहले आसानी से समझ सकते थे भाई प्लांट है एनिमल इन दोनों को आसानी से इजिली एकदम डिस्टिंगस कर सकते थे लेकिन ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हमें मिल रहे थे जिन्हें ना हम प्लांट में रख सकते थे ना ही एनिमल में रख सकते थे मतलब जो जो एकदम से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे ना ही प्लांट में आ रहे थे ना ही एनिमल में आ रहे थे ऐसे ढेर सारे थे तो मतलब हमने ये समझा कि भाई ये चीजें इनएडुकेट नहीं है ये पर्याप्त नहीं है ओके टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर्याप्त नहीं है आ, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें आ जाए तो और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ बिसाइड्स ग्रुप मॉर्फोलॉजी एंड नीड वॉज ऑल्सो फेल्ड टू इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर देखो मॉर्फोलॉजी के अलावा अब हमें यह भी मतलब जरूरत महसूस होने लगी कि हम क्या क्या देखें कुछ और कैरेक्टर लाइक दैट सेल स्ट्रक्चर नेचर ऑफ वॉल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैबिटेट मेथड ऑफ़ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्लासीफिकेशन करें तब कहीं जाके सा, चीज़ें सटीक बैठेंगी ओके okay, बातें एहसास हुई कि भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर्याप्त नहीं है हमें ये चीज़ें क्यों अच्छा एहसास हुई क्यों महसूस हुई क्यों हमें लगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर्याप्त नहीं है क्योंकि ढेर सारे एनिमल ढेर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हमें ऐसे मिल रहे थे जो कि हम ना उन्हें प्लांट में रख पा रहे थे ना एनिमल में रख पा रहे थे तो भाई उनके लिए हमें मतलब अलग किंगडम की जरूरत पड़ रही थी ना तो हमें फिर से क्लासिफिकेशन करना था तो अब फिर से क्लासिफिकेशन करने के लिए फिर हमें ये लगा कि हमें और कुछ कैरेक्टर देखने चाहिए लाइक दैट सेल स्ट्रक्चर नेचर ऑफ वॉल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैबिटेट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये सारी चीजें देखते हुए क्लासिफिकेशन करेंगे तब कहीं जाके सारे ऑर्गेनिज्म मतलब किसी न किसी किंगडम में किसी न किसी ग्रुप में रख उठेंगे बातें क्लियर होती हैं हाँ जी भाई बातें क्लियर होनी चाहिए बातें समझ में आपको आनी चाहिए क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम तो देखो ये जो क्लासिफिकेशन आज हुआ है मतलब समय के समय के हिसाब से क्लासिफिकेशन चेंज होता गया है और आज हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो समय के साथ आगे भी चीजें चेंज होती जाएंगी और समय के साथ सब चेंज होता गया है ओके okay? दो प्लांट एंड एनिमल प्लांट सॉरी दो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन द कांस्टेंट अंडर कॉन्स्टेंट डिफरेंट सिस्टम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड ग्रुप ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम ओके तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा है हमें क्या क्या पता है देखो हमने हमें यह पता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था यहाँ पे अपने पास थोड़ी जगह कम है मैं यहां पे थोड़ा सा प्लेस बनाऊँ फिर उसके बाद हम चीजें और देखते हैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं ओके हो गई जगह हमारे पास इतनी पर्याप्त देखो हमें क्या पता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था भाई प्लांट और एनिमल था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में और इसे दिया किसने था Obviously आपको पता है कैरोलस ने दिया था। फिर उसके बाद हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या देखते हैं हमारे पास प्लांट और एनिमल तो था ही लेकिन हमारे पास यहाँ पे अब आ गया प्रोटिस्टा भी प्रोटिस्टा प्लांट और एनिमल फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं

फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने ओके नाम याद रखिएगा अब हम आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो आपको पता ही है कि भाई किसने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे क्या क्या था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई अब फंजाई भी आ गया है मोनेरा देन प्रोटिस्टा अब आपको क्या मिल रहा है फंजाई भी मिल रहा है अभी तक फंजाई कहाँ पे गोते खा रहा था प्लांट में फंजाई प्लांटे एंड एनिमेलिया अब ये हो गया आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इसको किसने दिया था आर एच विटेकर ने अब कुछ दिन बाद आपको सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था कार्ल वूज़ ने दिया था किसने दिया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूज़ ने दिया था अब यहां पे ये जो आपको डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है आपको ये जो टेबल देखने के लिए मिल रहा है हम इसे पढ़ लें इसके बारे में कुछ बातें जान लें देखो यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बातें हो चुकी हैं दिया किसने था विटेकर विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? विटेकर ने दिया 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 था 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 किसने आर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या है मोनेरा है प्रोटिस्टा है फंजाई है प्लांटी है देन एनिमिलिया है तो आपको ये भी पता है कि भाई मोनेरा में क्या क्या आता है ऑब्वियसली यार मोनेरा में आपको बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे मोनेरा में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया यूजली बैक्टीरिया ही देखने के लिए मिलेगा और ज़्यादा कुछ है नहीं और प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे लाइक दैट आपको पैरामीशियम हो गया अमीबा हो गया तो ये सारे ऑर्गेनिज्म आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे प्रोटिस्टा में और फंगस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा फंगस में आपको ईस्ट देखने के लिए मिलेगा लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा ये होते कैसे हैं अच्छा यहां पे और बातें कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया जो है ये कैसा होगा मतलब यूनिसेलर होगा है ना यूनिसेलर होगा और दूसरा कैसा होगा प्रोकैरियोट होगा ये सेल टाइप इसका कैसा होगा प्रोकैरियोट होगा ओके बातें ध्यान से सुनिएगा एकदम चीजें क्लियर रखिएगा बातें समझते चलिएगा ओके ये इसका सेल टाइप कैसा है प्रोकैरियोट है अब वहीं पे बात कर लें प्रोटिस्टा की तो प्रोटिस्टा कैसा होता है प्रोटिस्टा भी यूनिसेलर होता है कह लीजिए हाँ प्रोटिस्टा कैसा होता है भाई यूनिसेलर होता है एकदम से मतलब कन्फ्यूजन न रखिएगा ओके कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कैसा होता है भाई यूनिसेलर होता है लेकिन ये होता कैसा प्रोटिस्टा यू कैरूट होता है यूकैरियोट होता है आपका मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है अब आगे चलते हैं फंजाई आ गई आपकी तो फंजाई कैसा होता है भाई फंजाई होता मल्टी सेलुलर है अब यहाँ से मल्टी शुरू है भाई फंजाई से मल्टी शुरू है यूकैरियोट तो आपका प्रोटिस्टा से ही शुरू है तो यहाँ पे लिख लो भाई ये भी यूकैरियोट ही होगा क्योंकि अब तो यूकैरियोट शुरू हो गया है है ना लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया फंजाय सॉरी ईस्ट ईस्ट आपका ये होता होता कैसा होता है यूनिसेलर होता है ध्यान रखिएगा ईस्ट कभी भी गलती से आप मल्टी मत बोल दीजिएगा ईस्ट कैसा होता है यूनिसेलर होता है ईस्ट कैसा होता है यूनिसेलर होता है बात ध्यान रखिएगा और अब आ गए हो आप प्लांट में तो ऑब्वियसली प्लांट तो भाई मल्टी होगा ही यू होगा क्योंकि आपका फंजाईज मल्टी सेलर और यू देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन केस है यहाँ पे भी एक है जो कि आपको याद करना पड़ेगा क्लोरेला है क्लोरेला है, है तो प्लांट में ही रखा गया है ओके है तो प्लांट में ही एलगी है आपका लेकिन ये कैसा है भाई यूनिसेलर है ये कैसा है यूनिसेलुलर है एलगी है क्लोरेला क्या है एलगी है आपको पता है लेकिन है कैसा ये यूनिसेलर है एक्सेप्शन केस ध्यान रखिएगा और जो आपका ये एनिमल है एनिमल में एनिमल आपका कैसा होगा भाई कोई भी एक्सेप्शन नहीं है एनिमल में एनिमल में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जितने होंगे सब मल्टी सेलर होंगे ओके okay? इवन यहाँ पे तो आपको टिश्यू ऑर्गन भी देखने के लिए टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम सब देखने के लिए मिलेंगे लेकिन हाँ फिर भी बातें करते हैं मल्टी सेलर होगा ओके नो एक्सेप्शन सारी सेल यू कैरियस होंगी नो एक्सेप्शन ओके और यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं जो हो है okay? और एनिमल्स में जो जो आता है सब आपको पता है हम भी एनिमल्स में ही आते हैं है ना तो होप है इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी तो अब हम नीचे टेबल देख सकते हैं देख ले मतलब तो अब हम नीचे टेबल देख लें क्या कुछ बातें कही जा रही वैसे तो ढेर सारी चीजें अब हमें क्लियर हो गई हैं देखो कैरेक्टर यहाँ पे है यहाँ पे कैरेक्टर है अब हम देखते चलेंगे मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी प्रोटिस्टाटी में क्या कैसे होगा तो मोनेरा का सेल टाइप कैसा होगा मोनेरा प्रोकैरियोटिक होगा ओके बातें ध्यान से सुनिएगा मोनेरा प्रोकैरियोटिक होगा इसका सेल टाइप प्रोटिस्टा कैसा होगा प्रोटिस्टा यूकैरियोट होगा और पीछे भी मैंने आपसे बातें कही है कि भाई प्रोटिस्टा से यूकैरियोट शुरू है प्रोटिस्टा से यूकैरियोट शुरू हो गया है सेल टाइप अब सब में आगे कैसा देखने के लिए मिलेगा प्रो यू कैरियॉर्ट टाइप का प्रो कैरियॉर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने के लिए मिलेगा मोनेरा में बाकी सब में यू कैरियॉट होगा और सिल्वॉल की बात कही जाए सिल्वॉल कैसी देखने के लिए मिलेगी नेचर ऑफ सिलवाल ओके सिल्वॉल नॉन सेलोलॉजिक सिल होगी किसमें मोनेरा में मोनेरा की सिलवॉल कैसी होगी नॉन सेलोलॉजिक होगी ये किसकी बनी होगी पॉलिसेको पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होगी बस इतना याद रखिए नॉन सेलॉजिक होगी मोनेरा की वॉल नॉन सेलॉजिक होगी और बात कर ली जाए प्रोटेस्टा की तो प्रोटेस्टा में कुछ में कुछ में में प्रेजेंट होगी प्रेजेंट ही नहीं होगी और फंजाई फंजाई में कैसी प्रेजेंट होगी भाई वॉल फंजाई में काइटिन की वॉल होगी बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो फंजाई में काइटिन की वॉल होगी नो एक्सेप्शन ओके कोई भी एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे फंजाई में काइटिन की सेलवाल प्रेजेंट होगी और प्लांट में सेलोज की सेलवॉल होती है प्लांट में कैसी सेलवॉल होती है होती है। है। ओके और एनिमल एनिमल में? में तो भाई ही इतनी बातें क्लियर होती हैं। एकदम से बातें दिमाग में ऐसा है मतलब बैठ जानी चाहिए और न्यूक्लियर की बात कही जाए न्यूक्लियर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे आपका न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस ऐसे होता है तो इसके बगल बगल मेंब्रेन होना चाहिए देखो आपको पता है ना कि यहाँ पे बैक्टीरिया होती हैं और बैक्टीरिया के पास क्या नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्बरन नहीं होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है ऐसे सेल में पड़ा होता है दैट्स वाई हम उसे क्या बुलाते हैं न्यूक्लियोइड बुलाते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं न्यूक्लियोइड बुलाते हैं क्योंकि वेल डेवलप नहीं होता है कह लीजिए आप क्या बोल सकते हो कि ये वेल डेवलप नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि क्या बिल डेवलप नहीं भाई न्यूक्लियस बिल डेवलप नहीं है क्योंकि उसकी न्यूक्लियस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है दैट्स वाई वो न्यूक्लियाइड है इतना एक्सप्लेनेशन काफी है दिमाग में आ गई होंगी बातें है ना हाँ जी बिल्कुल आनी चाहिए बातें समझ में आनी चाहिए ओके और यहाँ पे प्रोटिस्टा है आपका प्रोटिस्टा के पास हाँ जी बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है अब आगे सब में आपको प्रेजेंट है सब सब में में मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा सिर्फ एक यही होता है जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है आगे सब में डेवलप न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद आप आ जाते हो फंजाई में फनजाई में।, में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है अब आगे सब में होगा भाई सब हायर लेवल पे जा रहे हैं ओके अब यहाँ पे आपको प्लांट देखने को मिल रहा है प्लांट में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा अब आगे रही बात एनिमल की तो एनिमल में तो भाई प्रेजेंट होगा ही इसमें सब मतलब बकायदा प्रेजेंट है ऊपर ऊपर भी आपने देखा कि यहाँ पे भाई कुछ एक्सेप्शन केस नहीं है ओके अब आज आते हैं हम पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे तो भाई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में आपको बहुत ज्यादा क्या देखने के लिए मिलेगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि टिश्यू लेवल देखने के लिए मिलेगा या फिर ऑर्गन सिस्टम देखने के लिए मिलेगा ऐसा कुछ तो देखने के लिए मिलेगा नहीं भाई है ही क्या ये एक छोटा सा प्यारा सा बैक्टीरिया ही तो है है ना तो यहाँ पे एक सिंपल सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा मतलब कि सेल देखने के लिए मिलेगी आपको इवन प्रोटिस्टा में भी अब आप पढ़ते हो ना भाई अमीबा है अमीबा कैसा होता है एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है छोटा सा सिंपल सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता ये तो तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसी है सेलुलर है है ना अब यहाँ पे जो मतलब मल्टी सेलर है और यहाँ पे जो टिशू होता है लूज होता है देन आप प्लांट पे आते हो प्लांट में तो आपको टिश्यू ऑर्गन देखने के लिए मिलता है फिर उसके बाद आप आ जाते हो एनिमल एनिमल में आपको हर प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे देखो आपको टिशू भी देखने के लिए मिलेगा ऑर्गन देखने के लिए मिलेगा मतलब कि हाँ अब उसमें ऑर्गन बनने लगे हैं ऐसा कुछ ओके देन आपको ऑर्गन सिस्टम भी देखने के लिए मिलेगा एनिमल्स में चलिए अच्छा ठीक है हम ह्यूमंस की ही बात करते हैं तो भाई आप में है ना ऑर्गन सिस्टम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है आपका आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इतने सारे सिस्टम है ना आपकी बॉडी में तो मतलब ऑर्गन सिस्टम आप में डेवलप है बातें समझते हैं आप अब देखो जैसे आप प्लांट में थे तो उसमें कोई ऑर्गन था ऑर्गन था नहीं था ना टिशू ऑर्गन था

चलिए ठीक है आपके फायदे की ही बातें हैं आपको बात समझ में आएंगी है ना अब आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की इनका न्यूट्रिशन कैसा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात कर ली जाए तो देखो ये कैसे होंगे बैक्टीरिया है भाई बैक्टीरिया कैसा होगा ऑटोट्रॉफिक होगा कीमोसिंथेटिक होगा ओके कीमो कीमोसिंथेटिक मीन समझते हो कीमोसिंथेटिक केमिकल का यूज करेगा भोजन के लिए ओके यूज ऑफ केमिकल कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑटो है देखो ऑटो ट्रॉफिक है मतलब कि अपने भोजन का जुगाड़ अपने खा, खाने का जुगाड़ अपने खाने पीने का जुगाड़ स्वयं से कर रहा है फिर वो चाहे फोटो से करे चाहे कि वो सिंथेटिक से डजन मैटर ओके अच्छा ऑटोट्रॉफिक हो गया हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि हेट्रोट्रॉपिक नहीं होगा बैक्टीरिया ये सेप्रोफिटिक भी हो सकता है ये parasitic भी हो सकता है अब सैप्रोफिटिक मीन बातें समझ लो जरा ये मटेरियल से अपना भोजन ले सकता है and parasitic means किसी living organism पे living organism पे होस्ट रह सकता है ये ओके okay? इतनी बातें क्लियर होती हैं हाँ जी बिल्कुल बातें क्लियर होनी चाहिए देन हम आते हैं प्रोटिस्टा पे प्रोटिस्टा आपका कैसा है भाई प्रोटिस्टा आपका कैसा है भाई ऑटोट्रॉपिक अब ऑटोट्रॉपिक में ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और अच्छा कीमोसिंथेटिक नहीं होता है ये कीमोसिंथेटिक नहीं होता है ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक होगा और हेट्रोट्रॉपिक भी होगा बातें ध्यान से सुनिएगा ये हेट्रोट्रॉपिक भी होगा एंड फंजाई फंजाई की बात की जाए तो ये हेट्रोटॉपिक होता है हेट्रोट्रॉपिक में फिर ये सेप्रोफिटिक भी हो सकता है एंड पैरासिटिक भी हो सकता है बहुत खतरनाक हो सकते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी ये अपना मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ये अपना भोजन ले सकते हैं एक ऐसा प्लांट है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉपिक होता है ऑटोट्रॉपिक में भी ये फोटोसिंथेटिक होता है कीमोसिंथेटिक नहीं होता है बातें ध्यान से सुनिएगा तो ये सारे कुछ कैरेक्टर हैं जो कि आप याद रखिएगा और रही बात एनिमल की तो एनिमल सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा एनिमल हेट्रोटॉपिक होगा ऑट्रोटॉपिक की बात जाने दो ऑट्रोटॉपिक का कोई रिश्ता ही नहीं है एनिमल से ओके तो यहाँ पे जरा देख लीजिए हेट्रोटॉपिक में भी ये होलोजोइक होगा या सेप्रोजोइक होगा या तो इंजेशन करेगा या तो डाइजेशन ओके इतनी बातें क्लियर होती हैं आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पे हाँ जी बिल्कुल मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे होप है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी इतनी बातें क्लियर होंगी अब हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की तो आपको पता है भाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था आर एस विटेकर ने और कब प्रपोज किया था नाइनटीन में ओके इतनी बातें तो आपको पता ही है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम डिफाइंड बाई हिम वर्ल्ड मोनेरा प्रोटिस्टा पंजाई प्लांटी एंड एनिमिलियन

एक ट्री होगा एक सर्वस होंगे एक हर्ब्स होंगे और जो एनिमल होंगे वो टू तो कैटेगरी में डिवाइड होंगे जिनके पास रेड ब्लड होगा और एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं होगा इतनी सिंपल सी बातें कही गई थी तो ये ये तीन चीजें सिर्फ प्लांट प्लांट और एनिमल को डिवाइड करने के लिए देख रहे थे ये दो तीन चीजें है ना लेकिन अब देखिए अब डिफाइन दिफ, करने के लिए मतलब क्लासीफाई करने के लिए आर एच विटेकर क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया देखे थे क्या क्या क्वालिटी देखे थे क्वालिटी ही कह लीजिए क्वालिटी ही होगी ओके okay? तो देखते हैं क्या, क्या 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 क्राइटेरिया था द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन बाय हिम सेल सेल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कि भाई कैसा है हमने अभी देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए है ना हमने ये सारी चीजें देखी थी कि भाई सेलुलर है मल्टी सेलुलर है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है ये सारी चीजें देखी थी हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था हमने ये सारी चीजें डिफाइन करने के लिए हमने सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी तो देखा था कि भाई ऑटोट्रॉपिक है ऑटोट्रॉपिक है तो अच्छा कीमो कीमोसिंथेटिक है या फोटोसिंथेटिक है हेट्रोट्रॉपिक है ऑटोट्रॉपिक है, कैसा है अगर भाई बात कर ली जाए कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हेट्रोट्रॉपिक है

प्लांटी था आपका प्लांट तो ऑटोट्रॉपिक ही था है ना <smhishib Store> फंगस था आपका फंगस फंजाई ये फंजाई आपका हेट्रोट्रॉपिक था लेकिन वो सेप्रोफिटिक था पैरासिटिक था है ना हाँ प्लांट की बात हो चुकी प्लांट तो ही था प्रोटिस्टा आपका ऑटोट्रॉपिक फोटोसेंथेटिक था है ना और मोनेरा तो आपका ऑटोट्रॉपिक था हेट्रोट्रॉपिक मतलब हर तरीके से था अगर बात कही जाए सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक तो अब ये मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हम ये चीजें निकाल पा रहे हैं ना कि ये किस किंगडम का होगा है ना टाइप की बात कर लीजिए है, है, इससे भी हम ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं है ना अब अगर बात कह दी जाए आपसे कि ऐसा कौन सा किंगडम है जो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेवलर और प्रोकैरियोट होगा ऐसा कौन सा किंगडम है यूनि अगर आपसे कहा जाए अच्छा ठीक है आपसे कहा जाए कि हमें ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला है जो कि यूनिसेलर है और कैसा है प्रोकैरियोट है कैसा है यूनिसेलर है और प्रोकैरियोट हो, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये क्या है भाई मोनेरा है क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अच्छा अगर जैसे मान बात कर ली जाए प्रोटिस्टा की तो प्रोटिस्टा भले ही यूनिसेर है लेकिन कैसा है भाई यूकैरियोट है मल्टीसेल्यूलर तो है लेकिन यूकैरियोट है लेकिन यहाँ पे क्या बातें कही जा रही हैं यूनिसेल्यूलर है और प्रोकैरियोट है तो ऐसा तो सिर्फ मोनेरा में होता है तो इन सारे कैरेक्टर से आप समझ पा रहे हो ना किंगडम ये आर एच विटेकर ने आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन के लिए ये कुछ टर्म ये कुछ क्राइटेरिया यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप रिप्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं ये ये चीजें बताता है कि कौन से किंगडम का हो सकता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ओके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये सारी बातें हम टेबल टू पॉइंट वन में अभी अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं है ना और बातें आगे क्या कही जा रही हैं

तो देखो आपको पता है कि भाई आपने पूरा पढ़ लिया कि भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या, क्या है प्लांटिया है एनिमिलिया है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटिया एंड एनिमिलिया आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा प्रोटेस्टा प्लांटी एनिमिलिया आया एंड फाइव किंगडम में मोनेरा प्रोटिस्ट फंजाई प्लान यानी आया लेकिन अब बात कही जा रही है आपसे क्या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात क्या कही जा रही है आपसे भाई अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में तो किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम कौन सा नया आया है है ना सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में तो देखते हैं आप, आप या तो भाई सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन चाहे कह लो या फिर आप थ्री डोमेन कह लो बातें समझते हो आप सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कह लो आप या थ्री डोमेन कह लो और दिया इसे किसने था कार्ल कार्लव ने किसने कार्ल कार्लूज ने देखो यार साइंटिफिक ये साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा ओके साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा देखो अब यहां पे आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखते थे मोनेरा तो कॉल कॉलवूज ने क्या किया कि ये जो मोनेरा है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मोनेरा में क्या रखा गया है भाई आपको पता है यूजुअली मोनेरा में क्या होता है बैक्टीरिया होता है है ना यूजली मोनेरा में बैक्टीरिया होता है तो इन्होंने क्या किया कि इस बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया एक तो आर की बैक्टीरिया में एंड दूसरा यू बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन यू बैक्टीरिया ये दोनों क्या है भाई मोनेरा है बातें ध्यान रखिएगा ये दोनों क्या है मोनेरा है अच्छा मोनेरा हो गया फिर आगे आप कंटिन्यू कर दीजिए प्रोटिस्टा है देन फंजाई है देन प्लांटी है देन एनिमी है आगे आप कंटिन्यू कर दो ग्रुप में डिवाइड किया लेकिन डिवाइड किया? किया तो उसके लिए कुछ ना कुछ बेस तो रहा होगा ना ऐसा थोड़ी है कि हाँ डिवाइड करके चले गए है ना बात समझ में आती है आपको तो इन्होंने डिवीजन के लिए क्या क्राइटेरिया रखा आर बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को अच्छा हाँ ये जो आर की बैक्टीरिया इसे हम आर के डोमेन भी बोल सकते हैं एंड यू बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया डोमेन यू बैक्टीरिया डोमेन ओके अच्छा चलो ठीक है ये सारी बातें क्लियर होती हैं हम ये बात कर रहे थे किस बेसिस पे ये क्लासीफाई किए वूस किस बेसिस पे क्लासीफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ आर एन ए ये बातें ध्यान रखिएगा ये बातें आपके नीट के एग्जाम में पूछी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ आर एन एन ओके तो ये चीजें क्लियर होती हैं, बहुत ज्यादा उतना मगजमारी भी ना करिए यहां पे और जो बातें कही गई हैं उसे देखिए आप लेटेस्ट लुक एट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम ओके अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगी अब देखते हैं कैसे कैसे कमियां क्या, क्या क्या मतलब क्या क्या, क्या बातें थी भाई अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात कही जाए अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगी फंजाई मोसिसम एंड एनजियम सोचो ये इतने सारे सब कहाँ पे रखे गए थे प्लांट में रखे गए थे आप जरा सोचो ब्लू ग्रीन एलगी फन और ये, ये आपका फंजाई है सोचो कितनी फनी बात अब लग रही होगी ना आपको ये फंजाई फंजाई आज की डेट में अलग किंगडम ही लेके घूम रहा है इसके दिन कितने अच्छे हो गए हैं है ना फंजाई के दिन कितने अच्छे हो गए हैं अब तो इसका मतलब भाई अलग ही इसने अलग पार्टी ही बना ली है, है ना अब इसको किसी पार्टी का सांसद या विधायक बनने की जरूरत नहीं है अब इसने अलग पार्टी ही बना ली है अलग किंगडम ही है इसका है ना कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल गया भाई? आपका ये जो ग्रीन एल्गी है बैक्टीरिया है फंजाई है मॉसेस है फंड है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इन्हें किस बेसिस पे प्लांट में रखा गया बिकॉज ऑफ इनके सबके पास क्या थी सेल्वॉल थी सेलवॉल होने के कारण इन्हें किस में रख दिया गया प्लांट में द प्लेस टूगेदर ग्रुप विज वाइडली डिफरेंट अदर कैरेक्टरिस्टिक टेक हाँ जी बिल्कुल आपको तो पता ही है कि लेकिन भले इन्हें साथ में रख दिया गया है प्लांट में सिर्फ और सिर्फ सोचिए जरा एक कैरेक्टर एक कैरेक्टर मिलने से इन्हें सेम ग्रुप में सबको उठा के प्लांट में रख दिया गया फंजाई को ये जो एलगी हैं मोसेज हैं सबको उठा के कहाँ रख दिया गया है भाई प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर मिलने की वजह से दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप वाइडली डिफरेंट भले इन्हें एक साथ रखा गया लेकिन भाई डिफरेंट तो है ना हाँ जी बिल्कुल डिफरेंट है आपने अभी अभी जस्ट देखा है कि ये फंजाई कैसी होती है भाई यूकैरियोटिक होती है है ना और ये जो बैक्टीरिया आपका कहाँ का है मोनेरा का है है ना और ये जो और ढेर सारी चीजें जिनमें मतलब आप समझ पा रहे हो ना बातें वाइडली डिफरेंट है भाई बहुत सारे डिफरेंट है तो इसीलिए कहा जा रहा था इसीलिए कहा जा रहा था कि हम ना डिफाइन कर पा रहे थे कि ये प्रोकैरियोट है है। अब आप जरा देखो, देखो आप, हाँ। okay, फंजाई आपको तो पता है फंजाई है इवॉल्व है भाई बैक्टीरिया तो यूनिसेलर प्रोकैरियोट है फंजाई आपका मल्टी सेलर यू है बैक्टीरिया आपका यूनिसेलर प्रोकैरियोट है फंजाई आपका है, इसमें एक्सेप्शन भी सिर्फ एक है फंजाई में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है ईस्ट तो आप देख पा रहे हो ना कितने ज्यादा डिफरेंट है लेकिन सबको उठा के कहाँ रखा गया है प्लांट में तो ये गलतियां हैं ना ये सारी चीजें मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है ना तो इसीलिए जरूरत पड़ी फाइव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की इसीलिए जरूरत पड़ी थी वैसे तो ये सारी बातें शुरू में हमने की ही थी इट ग्रॉट टूगेदर द ब्लू ग्रीन विद अदर ग्रुप वर एलगीविक देखो अब मैंने आपसे पहले भी बातें बोली थी देखो मतलब अब साइनो बैक्टीरिया की तो बात जाने दीजिए फंजाई को भी यहाँ पे रखा है है ना और ये आपका ब्लू ग्रीन एलगी भी आज दूसरे किंगडम में है है ना और ये बैक्टीरिया आपका कैसा है प्रोकैरियोट है और सबको उठा के कहाँ रखा गया था प्लांट में और मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को यूकैरियोट के साथ प्लेस कर दिया गया था इट ऑल्सो ग्रुप टूगेदर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी ऑर्गेनिज्म तो बहुत ही झोल है भाई बहुत ही झोल है आपको पता है कि बैक्टीरिया कैसा है यूनिसेलर है और आपका ये जो फंजाई है आपका ये जो फंजाई है ये कैसा है अरे यार ठीक है फन है जिम्नोस्पम है जो स्पम सब कैसे हैं मल्टी सेलर हैं तो ये भी बातें हैं ना यूनि को उठा के मल्टी के साथ रख दिया गया है है ना मल्टी वन से फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास स्पाइरो प्लेस टुगेदर अंडर एलगी है ना दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट देखो आपको पता है कि ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं प्लांट्स कैसे होते हैं भाई ऑटोट्रॉपिक होते हैं आपके और फंजाई आपका कैसा है फंजाई कैसा है हाँ जी बिल्कुल -ट्रो 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 है मतलब गलती से भी ऑटोट्रॉपिक नहीं है बातें ध्यान रखिएगा देखो यार कुछ कैरेक्टर हैं जो कि मतलब एकदम अच्छे से याद रखिएगा गलती से भी ऑटोट्रॉपिक नहीं है फंजाई सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक है तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक सबको साथ में रखा गया था दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन दियर वॉल्स कंपोजिशन हाँ जी बिल्कुल वॉल अब देखो इतने सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं तो इनके सेल वॉल में भी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे हाँ जी बिल्कुल आपकी ये जो फंजाई है ये काइटिन की बनी होती है हार्ड थोड़ा हार्ड होता है मटेरियल इसका जो आउटर लेयर होती है और प्लांट हो, जो होती है एकदम सॉफ्ट होती है प्लांट पे कैसी वॉल होती है सेलोजिक सेल वॉल होती है वाइल ग्रीन प्लांट सेड अ सेलोजिक सेल वॉल और आपकी फंजाई कैसे बनी होती है भाई काइटिन की बनी होती है प्लांट आपकी ग्रीन सेलोजिक सेल वॉल होती है है ना इतनी बातें क्लियर होती हैं आगे चलें। वेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसिडर द फंजाई वर प्लेस इन अ सेपरेट किंगडम तो हाँ जी बिल्कुल 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 हमने पहले भी आपसे बातें की हैं कि फंजाई आज अलग पार्टी ही बना लिया है फंजाई का आज अलग किंगडम ही है किंगडम फंजाई है ना? तो देखो अब आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो आज सबको सिस्टमैटिक है ना हाँ जी बिल्कुल सिस्टमैटिक है जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रखे गए हैं मोनेरा में रखे गए हैं हमने पहले भी आपसे बातें कही हैं कि भाई

सिर्फ और सिर्फ किस लिए सिल्वॉल के प्रेजेंस के कारण विद पैरामीशियम एंड अमीबा अमीबा और पैरामीशियम के साथ विच वर अर्लियर प्लेस इन द किंगडम विच लेक ओके इनके पास सिलवॉल नहीं थी ओके okay. ये पैरामीशियम और अमीबा की बात कही जाए अमीबा और पैरामीशियम के पास सिल्वॉल ना होने के कारण ये कहाँ पे रखे गए थे अमीबा और पैरामीशियम एनिमल किंगडम में रखे गए थे ओके okay. ज पुट टूगेदर ऑर्गेजम क्लासिंगडम तो अब देखो सब कुछ ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा कौन सा किंगडम होगा अब आप हो, अब आपसे बात कही जाए ऐसा कौन सा, हो सा किंगडम होगा हो जो प्रो कैरियोटिक और यूनिसेर होगा आपके दिमाग में तुरंत आएगा अच्छा प्रो कैरियो और यूनिसेर मोनेरा होगा फिर आपसे कहा जाए ऐसा कौन सा किंगडम होगा जो और यूकैरियोट होगा तुरंत आप समझ जाओगे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा हाँ जी बिल्कुल प्रोटिस्टा यूनिसेलर है लेकिन कैसा है यूकैरियोटिक है तो बातें समझ में आ जाएंगी मोनेरा आपका देखो यूनिसेर है यूकैरियोटिक है तो ऐसे सब मतलब एकदम सिस्टमेटिक होता गया है, है ना दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज ये सारी चीज़ें क्यों हो पाई हैं भाई हमने क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज किया है हमने मतलब ये सारी चीजें चेंज की कि, कि किस किस कैरेक्टर के बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है ये सारी चीज़ें हमने चेंज की क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज किया सारी चीजें सिस्टमैटिक हो गई दिस दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट हाँ जी बिल्कुल चीज़ें देखो यार आगे चल के चीज़ें इवॉल्व होती हैं इंप्रूवमेंट होती हैं, उनमें कुछ बेकार नहीं होता है अब अगर बात कही जाए इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और कैरेक्टर को देखते हुए चीज़ें आगे इवाल्व होंगी इम्प्रूव होंगी अच्छी होंगी ओवर द टाइम एंड हैज बिन मेड ऑफ इवोल्व एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली एंड मॉर्फोलॉजिकल फिजिजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलालिटीज बट इट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखो अगर आज मतलब आगे की जो जनरेशन आएगी दस साल बाद मे भी हम फाइव किंगडम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ना पढ़ रहे हो हम आगे और इवॉल्व चीज़ें पढ़ रहे हो हम जो क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया हो हमारा कुछ और हो हम वहां पे कुछ और कैरेक्टर देख रहे हो लाइक दैट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ओके तो ये सारी चीज़ें हम यहीं पर नहीं रुके रहेंगे आगे भी बढ़ते चलेंगे ओके okay? देखो जैसे आपको पता है कि कि हमने यहाँ पे criteria क्या क्या change किया था देखो पहले हम यही देख रहे थे कि भाई प्लांट थ्री टाइप का होगा plant three type का होगा ट्री सब हब और एनिमल भी भाई दो टाइप का होगा रेड ब्लड वाला और जिसके पास रेड ब्लड नहीं होगा तो ये सारी चीजें थी तो धीरे धीरे हम इवॉल्व होते हैं हमने क्राइटेरिया अपना चेंज किया हमने हमने क्राइटेरिया चेंज किया क्लासिफिकेशन का हमने कुछ क्वालिटी ली सेलवॉल का कंपोजिशन कैसा है भाई है ना सेलवॉल का कंपोजिशन कैसा का है काइटिन का है कि सेल्लोस का है सेल ऑर्गेनाइजेशन लेबल कैसा है टिशू है या फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है मतलब सेल सेलर ऑर्गेनाइजेशन है या टिशू लेबल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने और फिर उसके बाद हमने न्यूट्रिशन देखा न्यूट्रिशन हमने देखा कि भाई हेट्रोट्रॉपिक है ऑटोट्रॉपिक है न्यूट्रिशन की बात कही जा रही okay? है या ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक है हमने देखा कि भाई, है तो है या है हमने हमने देखा देखा कि कि भाई भाई तो कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है हमने देखा कि इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है है ना ये सारे क्राइटेरिया हमने देखे और आगे भी ये नंबर ऑफ क्राइटेरिया ये नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे और ये मतलब कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये और इवॉल्व होगा और इम्प्रूव होगा समझने में और आसानी होगी ओके चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम क्या पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा ओके तो देखो हमने पीछे भी देखा था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है भाई पांच किंगडम पढ़ने हैं है, है ना किंगडम मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांट यानी तो हम अपना फर्स्ट किंगडम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा ओके तो देखो यार हमने पहले भी ये सारी बातें देख ली थी कि ये जो किंगडम मोनेरा है इनमें हमें सबसे ज्यादा क्या देखने के लिए मिलेगा बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे यूजअली हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे कहाँ पे किंगडम मोनेरा में और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया की बात कर ली जाए ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है आपको हर जगह इजली मिल जाएंगे मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि हाँ अगर बैक्टीरिया अगर हमें चाहिए बैक्टीरिया ढूंढना है तो कोई बहुत ज्यादा खोजबीन करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है हमें इजली मिल जाएंगे इवन आप एक आ, मतलब एक मुट्ठी मिट्टी लेते हो तो उसमें भी न जाने कितने तरीके के बैक्टीरिया मिल जाएंगे बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर हुए हाँ जी बिल्कुल बात एक ही है सब बातें समझते हो ना भाजी हाँ बिल्कुल बातें समझ में आनी चाहिए आपको ओके तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सोइल मतलब यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी लेते हो तो उसमें भी आपको नजरने कितने बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे इसका मतलब यहाँ पे यह बात बताने की कोशिश की गई है कि आपको बैक्टीरिया कितना इजीली मिल सकता है है ना दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स तो ये भाई ऐसी ऐसी जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ पे भी लाइफ का एग्जिस्टेंस होता होगा जहाँ पे मतलब कि ये लगभग हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे भी सरवाइव कर सकते हैं ईजिली मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं रहने के लिए मतलब इनका हैबिटेट ऐसा होता ही है ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं ओके और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ऐसे बर्फ़ वाले एरिया में भी रह सकते हैं जहाँ पे इंसान बर्फ़ बन जाए ओके okay, तो मतलब ये इन सारी बातों से आप समझ सकते हो कि ये कैसे कैसे एरिया में रह सकते हैं कैसे इनका हैबिटेट होता है कितना एक्सट्रीम हैबिटेट होता है तो ये जो इनका एक्सट्रीम हैबिटेट होता है इसकी वजह से आप इन्हें एक्सट्रीम फिल्स भी बोल सकते हो सच एज हॉट स्प्रिंग्स ये हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं डेजर्ट्स में रह सकते हैं स्नो एंड डीप ओसन्स वेर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म जहाँ पे मतलब कि बहुत कम लाइफ फॉर्म सर्वाइव करने के चांसेस हो वहाँ पे भी ये इजिली आराम से मजे में मतलब कि पार्टी मनाते हुए रह सकते हैं अच्छे से मेरा कहने का मतलब है ये अच्छे से रह सकते हैं इनका हैबिटेट ही वही है ओके मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट तो ये ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हो, होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एज अ पैरासाइट रहते हैं ये कैसे रह रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भाई एज अ पैरासाइट रहते हैं देखो हमने मतलब कि हमें अगर ये बात आती है मतलब दिमाग में कि हाँ बैक्टीरिया तो हमें ऐसा लगता है कि ये या तो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है या तो फिर भाई ये डिजीज़ कॉज करेगा तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं होते हैं बैक्टीरिया ह्यूमंस के लिए यूज़फुल भी होता है हार्मफुल होने के साथ साथ यूजेस भी बहुत है कितनी कैटेगरी में डिवाइड है चार कैटेगरी में किस बेसिस पे इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कोका ही है तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है जी स्फेरिकल है. है ना इनका स्ट्रक्चर कैसा है स्फेरिकल है एंड यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो भाई वेसिलस देखने के लिए मिल रहा है ये कैसे होते हैं रॉड सेव्ड होते हैं बातें बोल रही हूँ ना कि इन्हें फोर कैटेगरी में किस बेस पे डिवाइड किया गया है इनके कैरेक्टर के बेसिस पे डिवाइड किया है है ना इनके कैरेक्टर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है क्या हो गया यहाँ पे वैसे लई कैसा है रॉड सेव्ड है और फिर उसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है बिब्रियो को ये कैसा है स्पाइर ये कैसा है कॉमा कॉमासब ओके फिर उसके बाद आप क्या देख सॉरी कोलाई है कैसा है कॉमा सेब है देन स्पाइरला देखने के लिए मिल रहा है आपको ये कैसा है बातें समझ में आती है ये कैसा है स्पाइरलम है इनके मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्हें फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ओके आगे चलते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल जी बिल्कुल जैसा कि अभी आप देख के आ रहे रखिएगा कि इनका स्ट्रक्चर तो है, है इनका स्ट्रक्चर मतलब जैसा कि बात की जाए कि इनका स्ट्रक्चर इतना सिंपल है स्ट्रक्चर के कंपेयर में इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म इज अ ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ओके किस यहां पे बातें ध्यान से सुनिएगा कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म ओके इनका स्ट्रक्चर भले ही सिंपल है ये देखो यार ये डीएनए रिप्लिकेशन कर रहे हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इनमें इन तो Metabolic extensive, जो है वो कही न कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है अदर ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में हाँ जी बिल्कुल है सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक हैं ऑटोट्रोपिक हैं तो ऑटोट्रॉपिक में ये तो या तो कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं या तो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं ओके okay, अब कीमोसिंथेटिक है तो ये अगल बगल के ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होंगे उनसे एनर्जी लेगा कैसे अब सपोज तो दैट कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा है ओके okay, इनऑर्गेनिक मटेरियल से ये तो, मतलब बनाएगा ऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल को फिर ब्रेक करेगा उससे एनर्जी लेगा अब सपोज करिए कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल है यहाँ पे इनऑर्गेनिक को ब्रेक डाउन करेगा ऑर्गेनिक में देन ऑर्गेनिक से ये डायरेक्ट एनर्जी लेगा डायरेक्ट एनर्जी लेगा ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसे हम लोग हैं फूड लेते हैं मतलब हमारा जो डाइजेशन होता है हम अपने अंदर फूड को लेते हैं है ना हम फूड को खाते हैं अंदर हमारे डाइजेस्ट होता है देन हम एनर्जी लेते हैं लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा दे सिंथेसिस दियर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज दे मे बी फोटो सिंथेटिक अब देखो यार फोटो सिंथेटिक है तो वो तो ठीक है आपको पता है कि फोटो सिंथेटिक है तो

डिपेंडेंट हो सकते हैं बातें समझते हो आप ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं फिर ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग ही मतलब जिंदा ही हो ये डेड एंड डी मटेरियल से भी अपना फूड ले सकते हैं बातें समझ रहे हैं आप ये डेड एंड डी ऑर्गेनिज्म से भी अपना फूड ले सकते हैं डेड एंड डी के ऑर्गेनिक मैटर से भी फूड ले सकते हैं अब अगर ऐसा है तो हम इसे क्या बोलेंगे सेप्रोफिटिक बोलेंगे आपको तो ये सारी बातें पता ही हैं है ना अगर ऐसा है तो हम इसे क्या बोलेंगे सेप्रोफिटिक अगर डेड एंड डी के ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड ले रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे सेप्रोफिटिक बोलेंगे अब देखो यहाँ पे भी दो बातें होती हैं एक बैक्टीरिया की बातें चल रही हैं आपको तो पता है है ना बैक्टीरिया की बातें चल रही हैं लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया दो तरीके का है कैसा कैसा एक आर की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया

क्योंकि ये कुछ हार्स हैं सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया जिन्हें हम क्या बोलते हैं हेलोफिल्स बोलते हैं है ना कुछ हॉट स्प्रिंग जिन्हें हम क्या बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स अब देखो यहाँ पे हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक पे रह सकता है और दूसरी बात यहाँ पे अगर बात की जाए तो इन ये कुछ एसिडिक नेचर में भी रह सकता है एसिडिक इन्वायरमेंट में भी रह सकता है ऐसा नहीं है कि अगर इन्वायरमेंट मतलब ये जो आर की बैक्टीरिया की बात कही जा रही आर की बैक्टीरिया एसिडिक में भी रह सकते हैं फिर चाहे उसका पी एच वन, टू, थ्री इतना ही क्यों ना हो पी एच कितना है सात है तो इसके आगे सब भाई बेसिक होगा इसके नीचे एसिडिक होगा इधर तो आप सेवन के नीचे इधर सिक्स पे ही एसिडिक है फाइव पे ही एसिडिक है लेकिन अगर वन टू थ्री की बात कही जाए तो हाईली एसिडिक है ना हाईली एसिडिक है तो ऐसे इन्वायरमेंट में भी ये बैक्टीरिया रह सकते हैं कौन से आर की बैक्टीरिया तो इनके द बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्स हैबिटेट तो इस इनके हैबिटेट के वजह से इन्हें आप बोल सकते हो कि इन्हें स्पेशलाइज किया गया है डिवाइड किया गया है द मार्सी एरिया मिथोनोजन आर की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सर्वाइवल एंड एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ पे कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा देखिएगा ये जो आर बैक्टीरिया हैं ये अदर बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट है अदर बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट है अपने सेलवॉल की वजह से सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड एक्सट्रीम कंडीशन देखो अब यार बातें ध्यान से सुनिएगा जैसे ये इतने एसिडिक नेचर वाले एरिया में रह रहे हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो इनका जो सेलवॉल होगा वो प्रोटेक्शन करेगा आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रोमिनेंट एनिमल आप जैसे देखते हैं ना ये कुछ बफेलो हो गई काउस वगैरह हो गई तो इनका जो डंग होता है है ना इनसे हम इनको हम क्या करते हैं जलाते हैं है ना अच्छे खासे मतलब जिससे हम बायोगैस वगैरह भी बनाते हैं है ना तो ये बायोगैस क्यों बन जाती है मीथेन के कारण और ये मीथेन का मीथेन कहाँ से मिलता है मीथेन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है मीथेनोज प्रेजेंट इन द गट ऑफ इनकी गट में प्रेजेंट होता है कुछ जो रोमिनेंट होते हैं उनके गट में प्रेजेंट होता है कुछ रोमिनेंट एनिमल लाइक दैट काउज फेलो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेनोजन ये किसके लिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों क्योंकि इनकी गट में क्या प्रेजेंट होता है मीथेनोजन प्रेजेंट होता है और आपको तो पता है ये जो सी एच फोर गैस है मीथेन जो गैस है ये हम किस में किस में काम आती है लाइटिंग में कुकिंग में है ना बातें क्लियर होती हैं हाँ जी बिल्कुल बातें क्लियर होनी चाहिए बैक्टीरिया हो गया आगे चलते हैं यू बैक्टीरिया देख देखो यार यू बैक्टीरिया ओके यू बैक्टीरिया यू मीन्स आप समझते हो बात नहीं यू यहाँ पे बातें कही गई है यू यू मीन्स होता है ट्रू यू बैक्टीरिया ओके देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया ओके यहाँ पे लगभग थाउजेंड्स ऑफ ऐसे बैक्टीरिया है जो की सच्चे बैक्टीरिया है ट्रू बैक्टीरिया है समझिएगा और यहाँ पे भी बातें समझिएगा की cell, cell okay, बाते बाते कि अगर देखो फ्लैजला है फ्लैजिला फ्लैजेला की जरूरत कब पड़ेगी जब इन्हें चलना होगा बातें ध्यान से समझिएगा अगर फ्लैजेला है तो मोटाइल है और अगर मोटाइल है तो फ्लैजेला है है ना इतनी बातें क्लियर होती हैं और ये जो साइनो बैक्टीरिया हम इन्हें और किस नाम से जानते हैं साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी से वैसे तो ये बातें हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा बातें देखो यहाँ पे आपको तो पता है कि एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल जिसकी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं ग्रीन है ना ये जो साइनो बैक्टीरिया होता है ये एक्चुअली होता कैसा है ब्लू कलर का बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया कैसा होता है साइनो बैक्टीरिया ब्लू कलर का बैक्टीरिया होता है और साथ ही साथ में ये एक ऐसा पिगमेंट कैरी करता है जो ग्रीन कलर का होता है है ना अब आपको तो पता ही है कि ग्रीन कलर का कौन सा पिगमेंट है क्लोरोफिल है ना क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना तो हाँ जी बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हो कि ब्लू बैक्टीरिया कैरी द ग्रीन पिगमेंट और इस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये हर प्लांट की तरह कुछ कैरेक्टर शो करता है ओके क्लोरोफिल एज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स तो हाँ जी बिल्कुल अब अगर ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल है तो सूर्य की रोशनी पड़ने पर ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा और अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो हम इसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोल सकते हैं ना क्योंकि ये अपना भोजन खुद का खुद बना रहा है है ना खुद का भोजन खुद बना रहा है तो ये ऑटोट्रॉप तो हो ही गया और ये फोटो कर रहा है दैट्स तो वाई हम इसे फोटो ऑटोट्रॉप बोल देंगे और अगर ये की, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता तो हम इसे मतलब केमिकल से अपना भोजन ले रहा होता फोटोसिंथेसिस ना कर रहा होता तो हम इसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोल देते है ना अब यहाँ पे ये यह जो अपना खुद का भोजन बना रहा है खुद से ये फोटोसिंथेसिस से बना रहा है हम बोल सकते हैं कि है। देखो यार एकदम से ना मतलब ध्यान से word word क्योंकि एक चल रही है अगर यहाँ पे बीच के कुछ स्टेप मिस हुए ना तो यहाँ से यहाँ तक आने में भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ भाई बातें ध्यान से सुनिएगा ओके okay. तो हाँ जी यहाँ पे हमारी इतनी बातें हुई कि ये जो ब्लू बैक्टीरिया है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट कैरी करता है और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है हमारा क्लोरोफिल और ये क्लोरोफिल एज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एज अ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये ग्रीन प्लांट की तरह बिहेवियर शो करता है जैसे ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं वैसे ये भी फोटो सिंथेटिक ऑटोड्रॉप होता है इतनी बातें हमारी क्लियर होती हैं हाँ जी बातें क्लियर होनी चाहिए द साइनो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर हमें ये बातें तो पता ही है कि भाई अब ये बिलोंग कहाँ से कर रहा है मोनेरा से बिलोंग कर रहा है है ना तो हमें तो ये पता ही है कि ये कैसा होगा यूनिसेलुलर होगा और कैसा होगा उट होगा है ना ये सारी बातें तो पता ही है तो ये फालतू की बातें बकवास दे दी गई है ना क्योंकि ये सारी बातें तो हमें पता ही है और तो और ये कॉलोनी में भी रह सकते हैं और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं मैराइन टेरेस्ट्रियल एल्गी ओके तो इतनी ये इसके कुछ कैरेक्टर हैं द आर जनरली सराउंडेड बाई देखो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो ये जो कॉलोनी बना के रह रहे हैं ये सब अलग अलग सेल हैं याद रखिएगा ये सब अलग अलग सेल हैं तो ये जो कॉलोनी बना के रह रहे हैं इनके ऊपर है ये ना कवरिंग है एक आउटर कवरिंग है तो यहाँ पे यही बातें कही गई हैं कि द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीट ये खुद को एक सीट से कवर कर लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं जिलेटिनस सीट दे ऑफिन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज ओके तो ये एक ब्लूम बना लेते हैं

तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो ये आपको थोड़ा अलग सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है जिसे मैं हेट्रोसिस्ट बोल रही हूं और हेट्रोसिस्ट होता भी है ओके तो ये जो होता है इसमें होता है नाइट्रोजनस एंजाइम क्या होता है भाई इसमें होते हैं नाइट्रोजनस एंजाइम और ये नाइट्रोजनस एंजाइम की वजह से ये क्या करता है एन को ब्रेक कर देता है ओके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक कर देता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है और एग्जांपल यहाँ पे नौ, एनावीना नॉस्टॉक देखो आपको मैं एक बात बताऊ यार यहाँ पे जो हेट्रोसिस्ट है यहाँ पे क्या मैंने आपसे बातें की कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस एंजाइम और ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनएक्टिव होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनएक्टिव होता है और जिसकी वजह से ये थोड़ा थिक हो जाता है बातें ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण ये कैसा होता है भाई इनएक्टिव होता है और ये थिक हो जाता है और एग्जाम्पल आपने देखा है ना नॉन स्टॉक और जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, है ना राइजोबियम वगैरह देखो आगे अभी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा किमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज ऑफ रिलीज एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन है ना ये सब इसको फिक्स करती हैं और ए का प्रोडक्शन करते हैं फॉर द एनर्जी द प्ले ऑफ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिय लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन सल्फर हैट्रोटॉपिक बैक्टीरिया और मोस्ट अवंटेड इन नेचर ओके okay. कैसे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में मतलब मिल जाते हैं द और मेनी ऑफ हैव सिग्निफिकेंट ऑन ह्यूमन अफेयर्स दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम देखो यार मैंने आपसे बातें कही कि ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन की लाइफ के लिए हार्मफुल ही नहीं होते हैं यूजफुल भी होते हैं यूजफुल बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं देखो यहाँ पे बातें कही जा रही है ना कि ये कर्ड बनाते हैं मिल्क से है ना और एंटीबायोटिक न जाने कितने एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हुआ है है ना फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी खोज हुई थी भाई पेनिसिलिन कौन किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं फिक्स फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम जितनी भी दलहनी फसलें हैं सब में जो नाइट्रोजन होते हैं उनको फिक्स कर देता है उनके रूट में होता है जित जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनके रूट में क्या होता है राइजोबियम होता है कौन सा बैक्टीरिया होता, होता है भाई राइजोबियम होता है उनके रूट में कौन सा बैक्टीरिया राइजोबियम जिसका काम क्या होता है एटमोस्फिर नाइट्रोजन को फिक्स करना ये बातें हम कर चुके हैं अब देखो यार हमें ये बातें पता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ह्यूम्स के लिए यूजफुल होती हैं है ना अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया हैं ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल भी होती हैं ह्यूमन बींग्स ही नहीं क्रॉप हो गई एनिमल हो गए पेट्स हो गए सबके लिए कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स क्रॉप्स फार्म एनिमल्स एंड पेट्स तो मतलब सबके लिए ये हार्मफुल भी होती हैं ऐसा ही नहीं है कि ये ह्यूमन लाइफ के लिए यूजफुल ही हैं तो यूजफुल वाला केस भी आपने देखा कि कैसे यूजफुल है। हैं ये yeah, ढेर सारी डिजीज कॉज कर देती हैं लाइक like दैट कॉलरा टाइफाइड टिटनेस सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया है ना आपको पता है जैसे कि कॉलरा हो गया यहाँ पे आपको पता है कि कॉलरा कैसे होता है बिब्रियो से बिब्रियो के कारण है ना स्प्रेड होता है एंड टाइफाइड कैसे होता है सालमोन टाइफी बैक्टीरिया से होता है है canker, होता है ना सिट्रस कैंकर जेंथोमोना सिट्राई से होता ये सारी बातें हमें पता चल गई तो ये ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमन के लिए हार्मफुल हैं इवन ह्यूमन ही नहीं क्रॉप हो गई सबके लिए मतलब आपने यहाँ पे देखा है एनिमल पेट सबके लिए है ह्यूमन के साथ साथ और यहाँ पे आपने देखा था कुछ हमारी जो दलहनी फसलें थी उनके रूट में उनके रूट में कुछ बैक्टीरिया पाए जा रहे थे जिन जिनका नाम क्या है राइजोबियम है ना तो जो कुछ ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जा रहे थे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर दे रहे थे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ध्यान रखिएगा अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या बना लेते हैं स्पोर बना लेते हैं स्पोर मीन समझते हैं आप स्पोर्स जब ये बनाते हैं तो एक इनके चारों ओर एक वॉल क्रिएट हो जाती है जो कि काफी ज्यादा रफ टफ होती है जो कि इनकी करती है इनकी प्रोटेक्शन करती है और फेवरेबल कंडीशन में आने पे ये वापस से जनरेट कर जाते हैं बातें ध्यान से सुनेगा यार, बाते क्लियर रखेगा में ये, ये डायग्राम फिजन का ही है सपोज दैट एक बैक्टीरिया है आज, अच्छा आगे यहाँ पे देख लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाते हैं दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ए Primitive type DNA transfer from one bacterium to another. देखो अगर मैं थोड़ा सा बैक्टीरिया के डायग्राम की बात कर लू सपोज ये है आपका बैक्टीरिया okay? तो बैक्टीरिया होता है इसके चारों ओर एक वॉल होती है जिसे हम कौन सी वॉल बोलते हैं भाई वॉल होती है अच्छा ये जो ये जो रेड कलर की वॉल है ये हमारी क्या है ये है प्लाज्मा मेंब्रेन. ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओके और इसके चारों ओर एक वॉल और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं इसे हम क्या बोलेंगे सेल वॉल और इसके चारों ओर ये जो सेल वॉल है हमारी इसके चारों ओर एक वॉल और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअली ये इसकी आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं कैप्सिड बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं कैप्सिड बोलते हैं जो कि थोड़ी रफ टफ़ होती है इसे रफ टफ़ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ऊपरी एनवेलप होता है कह लीजिए आप ओके और यहाँ पे इसके अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और याद रखिएगा इसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई आउटर कवरिंग नहीं होती है इसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता इसका कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता इसका जेनेटिक मटेरियल फ्रीली पड़ा रहता है कहाँ पे पड़ा रहता है भाई साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है है ये क्या है जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल इसका फ्रीली ऐसे पड़ा रहता है बेल डेवलप नहीं होता है डेट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियाड बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं भाई न्यूक्लियाड बोलते हैं और एक बात और याद रखिएगा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसमें क्या होती है प्लाज्मिड होती है है ना प्लाज्मिड होता है हमने ये सारी बातें कर ली है प्लाज्मिड को हम कैसे ट्रीट करते हैं कैसे देखते हैं एज अ जीन टैक्स ही देखते हैं ये प्लाज्मिड का काम क्या होता है भाई जेनेटिक मटेरियल को किसी और ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने का काम करता है प्लाज्मिड वैसे इस पे बातें बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी हैं है ना और यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं एक पिलाई एरेक्टर पिलाई जिस, जिसका काम क्या होता है भाई ये जो इनका काम क्या होता है सेक्सुअल कंजुगेशन का काम होता है काम क्या होता है इनका सेक्सुअल कंजुगेशन का तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम ड्राग, तो मतलब हम पढ़ ही चुके हैं अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बातें करते हैं देखो हमने क्या बातें की बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजन ज्यादातर तो इनमें फीजन ही होता है सपोज ये रहा हमारा बैक्टीरिया है ना

तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया तैयार हो गई जी बिल्कुल तैयार हो गई आपके सामने हैं, ना? से ये क्या करते हैं भाई? स्पोर बना लेते हैं और स्पोर के चारों एक वॉल तैयार कर लेते हैं जो कि इनका प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करते फेवरेबल कंडीशन आने पर ही वापस से जनरेट हो जाते हैं दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई रिप्रोडक्शन बाई होता क्या पे ये जो पिलाई है, ये किसका काम, करते है? कंजुकेशन का काम करती हैं यहाँ पे आप देख पाओगे सपोज दैट यहाँ पे ये प्रेजेंट है पिलाई प्रेजेंट है तो ये एज अ ट्यूब की तरह काम करती है सपोज इसके पास जेनेटिक मटीरियल नहीं है तो ये अपना जेनेटिक मटीरियल इसको दे देगी और यहाँ पे एक सेल और तैयार है तो ऐसे तरीके से होता है इनमें सेक्सुअल कंजुकेशन ओके द माइको प्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट आर कंप्लीटली लैक अ सेलवॉल माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है भाई जिसके पास सेल्वॉल नहीं होती है ध्यान रखिएगा इसे अच्छे से याद कर लीजिए और आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज ओके एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन अगर आपसे बात कही जाए स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ओके okay, अगर आपसे बात कही जाए सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दैट्स वाई आप याद रखिएगा और अगर बात माइकोप्लाज्मा की आ गई तो भाई आप ये भी याद रखिएगा कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती लैक ऑफ सेल वॉल होती है बिकॉज ऑफ आपने ये बातें पढ़ रखी हैं कि ये जो मोनेरा होता है मोनेरा में जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास सेल वॉल होती है और आपने अच्छा यार देखो अगर आप बात आ गई मोनेरा की तो आपको ये बातें याद आएंगी कि भाई मोनेरा में ज्यादातर है क्या बैक्टीरिया

ओके okay, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है ओके okay, तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि आपको तो याद आएगा कि अच्छा माइक्रोप्लाजमा कहा रखा गया है मोनेरा में है अब मोनेरा में ज्यादातर बैक्टीरिया हैं है ना ये चीज़ें आपको याद आएंगी अब बैक्टीरिया में तो भाई सेल वॉल प्रेजेंट होती है कैप्सिड भी होता है तो आप ये एक्सेप्शन केस भूल जाओगे वहां पर तो याद रखिएगा ओके okay, तो एग्जामिनर को भी पता होता है कि स्टूडेंट गलती कहां करते हैं तो वहीं से क्वेश्चन बनाते हैं तो याद रखिएगा कि इनमें सेल वॉल नहीं होती है और बात कही जाए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की तो कौन है माइकोप्लाज्मा है एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ओके मेनी माइकोप्लाज्म पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स ओके तो पैथोजेनिक हैं तो ऑब्वियसली डिजीज कॉज करेंगे आगे चलते हैं ओके okay. अब हम क्या पढ़ते हैं भाई किंगडम प्रोटिस्टा अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है बहुत इंटरेस्टिंग है और हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है अब थोड़ा सा इवोल्यूशन की ओर चल रहा है हमें थोड़ा सा आगे लेके चल रहा है अब पीछे हम पढ़ रहे थे किंगडम मोनेरा में हम पढ़े थे कि भाई कैसा होगा यूनिसेलर होगा एंड प्रोकैरियोट होगा हाँ जी बिल्कुल लेकिन अब हम किंगडम प्रोटेस्टा में क्या पढ़ेंगे ये कैसा होगा यूनिसेलर तो होगा लेकिन कैसा होगा यूकैरियोट होगा अब हम एक लेवल आगे बढ़ गए हैं

कड़ी है एक लिंक है किसके किसके बीच की मोनेरा टू हायर यू ओके मोनेरा टू हायर यू एक लिंक है कैसे कैसे मतलब कैसे ये बातें बोल सकते हैं कि ये मोनेरा से हायर यू की लिंक है प्रोटिस्टा हाँ ठीक है वो बातें तो है ही भाई कि यहां पे हम पढ़ते हैं मोनेरा जो कि कैसा है यूनिसेलर यू है यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलर यू है और ये यूनिसेलर प्रोकैरियोट है मोनेरा मोनेरा यूनिसेलर प्रोकैरियोट है प्रोटिस्टा यूनिसेलर यू है फिर उसके बाद प्रोटिस्टा फंजाई है ना तो ये सारी बातें तो ठीक है यहाँ पे जब आप आप देखोगे ना इसके पार्ट और क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लेजलेट मोड्स तो यहां पे आपको ये सारी बातें समझ में आएगी अच्छा इसलिए हम इसे मोनेरा टू हायर यूकेरियॉट की लिंक बोलते हैं तो यार बने रहिएगा उसी एनर्जी के साथ बोर नहीं होइएगा देखो यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें जानने के लिए मिल रही हैं देखने के लिए मिल रही हैं देखो यार अगर आप मतलब पढ़ाई कभी मजे के लिए ना करना ओके पढ़ाई मजे के लिए ना करना क्योंकि अगर आप पढ़ाई से मजा लेना चाहोगे तो पढ़ाई आपकी मजा लेने लग जाएगी सो so, ओके okay, बातें समझिएगा बने रहिए ओके बोर और नहीं होइएगा देखो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किसी चीज को बोरिंग बना के पढ़ रहे हो या फिर इंटरेस्टिंग बना के पढ़ रहे हो है ना तो देखते हैं यहाँ पे सारी बातें ओके देखो हमें पता है ये क्या है प्रोटिस्टा तो अभी देखो हम कैसे चलते हैं ये तो है हमारा प्रोटिस्टा ओके तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स अब जब हम क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे ना तो हम थोड़े थोड़े मोनेरा से कैरेक्टर सिमिलर होंगे ऐसे ओके ऐसे ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे होंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि थोड़े थोड़े कैरेक्टर मोनेरा से सिमिलर होंगे फिर उसके बाद थोड़ा हम और आगे चलेंगे डायनोफ्लैज्स पे चलेंगे फिर उसके बाद हम थोड़ा सा यूगलिनॉइड पे आएंगे अब जब हम यूग्नोइड पे आएंगे तो इसके कैरेक्टर थोड़े थोड़े प्लांट्स से सिमिलर हो रहे होंगे इसके कैरेक्टर ऐसे होंगे कि जो कि प्लांट्स से भी सिमिलर होंगे एनिमल से भी सिमिलर होंगे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ये अलग ही चल रहा होगा ओके फिर उसके बाद हम स्लाइम मोल्ड्स पे आएंगे स्लाइम मोल्ड्स पे आएंगे देन हम प्रोटोजोन्स पे प्रोटोजोन्स पे आते आते प्रोटोजोन्स पे आते आते मतलब कि ऐसा होगा कि हम हायर एनिमल को देखने लग जाएंगे ओके तो यहाँ पे हम चलते हैं क्राइसोफाइट्स टू प्रोटोजोन्स ओके हम कुछ इस क्रम में चल रहे होते हैं क्राइसोफाइट्स टू एनिमल। तो यहाँ पे हम ये भी साथ साथ देख रहे होते हैं कि ये जो कैरेक्टर हैं प्लांट टू एनिमल चल रहे होते हैं मतलब हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ये कैरेक्टर एनिमल की ओर मूव होते जाएंगे बातें समझ में आ रही हैं आपको हाँ जी बिल्कुल बातें क्लियर होनी चाहिए ओके तो देखो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हाँ जी बिल्कुल भाई बातें ये तो सही है कि आल सिंगल अंडर प्रोटिस्टा ये बातें तो हो ही चुकी हैं है ना बट बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट बेल डिफाइंड क्यों क्योंकि देखो यार यहाँ पे बाउंड्रीज ऐसी कुछ नहीं है कुछ डिफाइन नहीं है क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टर प्लांट से नहीं कह सकते इनमें यही कैरेक्टर ही होगा ओके okay, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनदर तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं इन दिस बुक भी इंक्लूड क्राइसोफाइट डाइनोफ्लैज ये सारी चीजें तो हमने बातें कर ही ली हैं और और क्या देखेंगे भाई प्रोटोजोन्स को भी देखेंगे अंडर प्रोटिस्टा ये सारी चीजें हम प्रोटिस्टा में वैसे ये सारी बातें तो हमारी यहाँ पे हो ही चुकी हैं कि हमें ये ये पढ़ना है है ना <laughs> मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर और प्राइमरलीवेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये एक्वेटिक भी है this kingdom forms a link with with the other dealing with plants animal and fungi being eukaryote the protistan cell body contains a well defined nucleus and other membrane bound organelles देखो हमें पता है हमने अच्छा यहां पे क्या देखा कि ये कैसे होते हैं भाई ये क्या है eukaryotes हमने मोनेरा में देखा कि वो क्या थे प्रोकैरियोट्स थे तो हमें पता था कि भाई जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है दैट्स व्हाई हम उन्हें क्या बोलते हैं? बोलते हैं हैं लेकिन अब हम पे 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 आ यू पे आ हैं। कहां आ हैं? यू पे आ गए 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 भाई हम है ना अब यार हमें ये बातें भी पता है कि अगर यू कैरियॉर्स है तो इसमें क्या होगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस इसका एकदम वेल डिफाइंड होगा और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा मतलब कि न्यूक्लियर इन्वलप होगा हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके चारों ओर न्यूक्लियस की वॉल होगी तो हम इसे पूरा पूरा न्यूक्लियस बोलेंगे ना कि कोई न्यूक्लियाइड जैसा कुछ केस नहीं होगा ओके और तो और यहाँ पे हमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स भी देखने के लिए मिलेंगे अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बातें ध्यान से सुनिएगा बाउंड ऑर्गेनल्स जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे लाइक दैट क्लोरोफिल माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी इनमें सब में भी बेल मतलब मेंबरन बाउंड होंगे ये सब हमारा ये जो सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी मेम्बरन बाउंड ऑर्गेनल होगा हमारा क्लोरोफिल है ये भी मेम्बरन बाउंड होगा हमारी गोल्जी बॉडी होगी इस पर तो सब बाकायदा मेम्बरन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे सम है फ्लैजला और सीलिया अगर इनको देखो यार हमें पता है कि हमने पीछे भी बातें देखी हैं कि अगर फ्लैजेला है तो इट मीन्स ये लोकोमोसन करेगा सीलिया है इट मीन्स ये लोकोमोसन कर रहा है मतलब करेगा कर रहा है बातें ध्यान से समझिएगा मतलब ये सारी चीज़ें ओके अगर देखो अगर फ्लैजेला है तो ये मतलब लोकोमोसन करेगा प्रोटिस्टॉल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली तो मतलब इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये ओके okay, ये सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करेंगे सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बाई अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइोड फॉर्मेशन ओके तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स पढ़ते हैं तो ये जो हमारा क्राइसोफाइट है भाई ये कैसा होगा एक्वेटिक होगा ये कैसे होंगे क्राइसोफाइट्स जलीय होंगे है ना और दूसरी बात क्या होगी इनमें ये कैसे होंगे फोटोसिंथेटिक होंगे भाई फोटोसिंथेटिक होंगे इट मीनस ये ऑटोट्रॉप्स होंगे हाँ जी बिल्कुल होंगे और तो और मैं आपसे बात करूं इन में सेल भी मिलेंगी गोल्डन एलगी देखने के लिए मिलेंगी और जैसा कि मैंने आपसे बातें कही भाई कि ये एक्वेटिक हैं फ्रेश वाटर में भी देखने के लिए मिलेंगे एज वेल एज ये मैराइन इन्वायरमेंट में भी इजिली सर्वाइव कर सकते हैं ये सारी बातें ध्यान से सुनिएगा दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर पैसिवलींट देखो जैसा कि प्लैक्टॉन वगैरह हो गया वाटर प्लैक्टॉन देखो आपको बताऊं कि इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपनी इच्छा से कहीं और जाना चाहेंगे घूमना चाहेंगे इनमें ऐसा कुछ नहीं इनकी इच्छा कुछ नहीं है जहां मतलब वाटर का फ्लो ले जाए वो वहां पे ईजिली चले जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और जैसा वाटर का फ्लो रहा वाटर के साथ ये भी बेहतर चले जाएंगे ओके okay. क्यों ऐसा क्यों होगा बिकॉज़ ऑफ यार इनके पास ना सीलिया है ना फ्लैजला है ये अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकते हैं तो जहां वाटर का फ्लो ले जाएगा जैसे जिस फ्लो में वाटर होगा ये वाटर के साथ बह जाएंगे मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक ज्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्मड टू थिन ओवरलैपिंग सेल व्हिच फिट टुगेदर इन इन अ सॉप बॉक्स आपने सॉप बॉक्स देखा है ना ऐसे होता है हमारा सॉप बॉक्स और इसके ऊपर एक इसके ऊपर एक ढक्कन सा होता है है ना ऐसे ढक्कन लगा होता है इसके ऊपर तो ये एज अ सॉप बॉक्स होते हैं ओके द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका किसकी वॉल बनी होती है सिलिका की अब इनके ऊपर ऐसे ये जो देखो आप देख रहे हो ना ये जो डाइटम्स द सेल वॉल फॉर्म टूथिन ओवरलैपिंग इनकी ये जो ओवरलैपिंग है दो पतली ओवरलैपिंग है ये कैसी होती है कैसी होती है एज अ सॉप बॉक्स होती है और इन मतलब जो इनकी ओवरलैपिंग है इस पे क्या होती है भाई सिलिका सिलिका प्रेजेंट होती है ओके okay. इनके ऊपर क्या होती है सिलिका प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इन पे बड़ा रफ टफ स्ट्रक्चर आता है जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं हो जाते हैं खुरदरे से हो जाते हैं ओके okay. दस डाइटम्स लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल डिपोजिट इन दियर हैबिटेट ये क्या ये जो डाइटम्स होते हैं ये जो इनकी सेलवॉल होती है एक जगह इनका जहाँ हैबिटेट होता है वहाँ पे डिपोजिट होती जाती है अकुमलेट होती जाती है एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक अकुमलेट होती जाती है लगभग बिलियंस ऑफ ईयर ये, ये मतलब एक ही जगह अकुमलेट करते जाते हैं दैट्स वाई हम उस एरिया को क्या बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं ये वर्ड ध्यान रखिएगा ओके क्या बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ बींग ग्रिटी दिस ऑयल इज यूज पॉलिसिन ओके अब ये ग्रिटी नेचर के हो जाते हैं तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं भाई पॉलिसिन में यूज होते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सीरप डाइटम आर द चीप प्रोडक्शन इन द ओसन ओके सब्स मतलब कि ओसन में ये मतलब बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं क्या डायटम्स डाइटम्स चीप प्रोडक्शन इन द ओसन ओके तो डायटम्स ओसन में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में देखने के लिए मिलते हैं आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट था हमारा डायनो अब देखो यार डायनो नाम से आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं क्या समझ पा रहे हैं आप डायनो टू एंड यहाँ होना हो बात फ्लेजिला की, की गई है है ना बात फ्लेजिला की की गई है है ना तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास दो फ्लैजिला होता है ये टू फ्लैजिला वाले होते हैं और ये कैसे होते हैं भाई फोटो सेंथेटिक होते हैं ये फोटो सेंथेटिक होते हैं इट ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो यहाँ पे कुछ बातें हमारी क्लियर होती हैं हैं हाँ जी बिल्कुल क्लियर होती दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन ये कैसे होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं होते हैं इट मीन ऑटोट्रॉपिक होते हैं दे अपियर येलो ग्रीन ब्लू ब्लू और रेड जिन मतलब बातें ध्यान से सुनिएगा जैसा इनका पिगमेंट होगा यहाँ पे समझिएगा आप बातें ये येलो कलर के भी हो सकते हैं ग्रीन ब्लू ओके सॉरी ब्राउन ब्लू और रेड मतलब जैसा इनका पिगमेंट होगा वैसे ही ये कलर शो so करेंगे ओके डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट इनकी सेल में प्रेजेंट होंगी वैसा ये कलर शो so करेंगे इसमें कोई कहने सुनने की बातें नहीं है द सेल वॉल हैज स्टिप सेल प्लेट ऑन दियर आउटर सरफेस आप यहाँ पे डायग्राम में देख के ही लग रहा होगा कि स्टिप मतलब कि सिल्लोजिक प्लेट है और इनका जो आउटर सरफेस है थोड़ा स्टिफ है मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला यहाँ पे आप डायग्राम में अच्छा ये डायग्राम में तो एक ही फ्लैजिला भाई समझ आ रहा है और जो दूसरा फ्लैजिला होता है मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ये जो फरो है यहाँ कहीं पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है फरो में प्रेजेंट होता है सेकंड फ्लैजिला यहाँ पे आप आपसे क्या बोला गया है भाई मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लेजिला यहाँ पे दो फ्लैजिला की बात कही गई है तो एक तो कैसा होता है लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होता है एंड सेकेंड वन फ्लेजिलान दॉल प्लेट है ना कहा प्रेजेंट होता है इन फरोन वॉल प्लेट यहाँ पे आपको टू वॉल प्लेट जैसा लग रहा होगा ये अलग एंड दिस इज अना ऐसा कुछ समझ में आ रहा होगा रेड डाइनो ये जो रेड डायनोफ्लेजलेट्स होते हैं इनकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो गोनीऑलिक्स ये जो गॉनियलिक्स होते हैं भाई ये कैसे होते हैं रेड डायनोफ्लेजलेट होते हैं रेड डायनोफ्लेजलेट क्यों होते हैं हमने बातें बोली भाई कि हमें पता है कि जैसा पिगमेंट होगा वैसे ये कलर्स शो करेंगे है ना तो इनकी अच्छा जो खास बात है इनकी जो खास बात है ये जो रेड डायनोफ्लेजलेट हैं गोनी है ये मतलब एकदम धुआंधार मल्टीप्लिकेशन करते हैं इतना रैपिडली डिवीज़न होता है रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होता है कि भाई पूछो मत अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड तो मतलब कि ये इनमें सोचो जरा इतना ज्यादा डिवीज़न होता है ऐसे तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है भाई कि जो पूरा समुद्र है वही रेड कलर का दिखने लगता है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं

अब आगे चले यूग्लिनॉइड तो अच्छा यहाँ पे आपने क्या देखा यहाँ पे आपको क्या समझ में आया ये कैसे हो गए हैं भाई फोटोसिंथेटिक हो गए हैं और तो और इनमें अब अलग अलग, अलग पिगमेंट भी आने लगे हैं तो आप आगे थोड़ा चल रहे हैं बातें आगे की की जा रही हैं हाँ जी बिल्कुल बातें आगे की हो रही हैं अब इनमें अलग अलग पिगमेंट भी हो, हो रहा है ऑटोट्रॉप्स हैं ठीक है ऑटोट्रॉप है, है अब देखो आगे जब आप चलोगे ना यूग्लिनाइड तो ये जो यूग्लिना है ये ठीक है टू फ्लैजला इसमें भी होते हैं पीछे आपने देखा था क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट्स जो थे वो वाटर करंट के साथ बह रहा था उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी वो अपनी मतलब कि वो जहाँ जाना चाहता था वो नहीं जा पा रहा था क्राइसोफाइट्स का एनिमल आपने देखा था है ना क्राइसोफाइट्स के एनिमल अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी नहीं जा सकते थे वाटर करंट के साथ फ्लो करते थे लेकिन डायनोफ्लेजलेट में आपने देखा कि यहाँ पे दो दो फ्लैजिला प्रेजेंट है ये अपनी इच्छा से घूमेगा फिरेगा और तो और अब इसमें कहीं ना कहीं मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंट भी है और तो और ये खुद की प्रोटेक्शन कर सकता है कह के चलते हैं मान के चलते हैं ये अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है इसके लिए इसमें रिलीज करता है जब कहीं देखता है कि इसके लिए खतरा है तो ये टॉक्सिन रिलीज कर देता है मतलब रेपिडली मल्टीप्लीकेशन भी कर लेता है है ना और तो यहाँ पे ये कुछ चीजें इवॉल्व होती नजर आ रही हैं आपको हाँ जी बिल्कुल इवॉल्व हो रही हैं चीजें आपने पीछे देखा था वाटर करंट के साथ बह रहा था अब ये यहाँ पे दो देखने के लिए मिल रहे हैं तो अब आप जब योगलीना पे आओगे ना तो आपको चीजें और इवॉल्व दिखेंगी ओके तो मैंने आपसे भाई बातें की है ना यहाँ पीछे की हम यहाँ पे प्लांट टू एनिमल कैरेक्टर देखेंगे है ना हम मोनेरा से हायर यूक्रियॉट की ओर चलेंगे हम मोनेरा से हायर यूकोरियड की ओर चलेंगे बातें क्लियर होती हैं हाँ जी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अब यहाँ पे हम देखते हैं यूगलिनॉइड तो यूगलिन यूगलिना में यूगलिनॉइड्स में हम देखेंगे कि कुछ कैरेक्टर और इवॉल्व हुए हैं तो देखते हैं वो क्या कुछ कैरेक्टर होंगे यहाँ पे हमने बातें देखी भाई इसके पास दो फ्लैजला होते हैं डायग्राम में भी हम देख पा रहे हैं एक फ्लैजला छोटा होता है और दूसरा फ्लैजला बड़ा होता है जो कि हम डायग्राम में इजली देख पा रहे हैं और ये जो युगलिनोइड होते हैं ये ऑटोट्रॉप भी होते हैं हेट्रोट्रॉप भी होते हैं ओके okay, तो ध्यान रखिएगा ये कैसे होते हैं भाई ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और तो और ये भी होते हैं मतलब कि ये जहां रहे भोजन मिल सकता है इसको अगर अगर इसे सनलाइट मिल रही है तो इसके पास ये कर सकता है क्लोरोफिल प्रेजेंट है अब भाई देखो यार बातें क्लियर है अगर ये ऑटोट्रॉप्स है फोटोसिंथेसिस कर रहा है देखो दो तीन चीजें यहाँ से क्लियर हो रही हैं आपकी ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है फोटोसिंथेसिस कर रहा है इट इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है है ओके okay, तो मतलब कि ये अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है मतलब अदर ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंडेंट है अदरवाइज ये ऑटोट्रॉप तो है ही ओके मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ये फ्रेश वाटर ओके ये इसके कुछ कैरेक्टर हैं जो कि आपको पता होने चाहिए फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर ये ठहरे हुए पानी में भी आप देख सकते हो इंस्टेड ऑफ सिलवॉल इसमें आपको सिलवॉल की कमी देखने के लिए मिलेगी दे है प्रोटीन रिच लेयर कार्ल पेलिकल इसके पास अब सिलवॉल वाली बात खत्म हुई सिल्वॉल वाली बात खत्म हुई अब आपको यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिल रही है प्रोटीन रिच लेयर प्रोटीन रिच लेयर जो कि इसकी बॉडी को कैसे बनाएगी फ्लेक्सिबल बनाएगी और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं पेलिकल बोलते हैं इस लेयर को हम क्या बोलते हैं भाई पेलिकल बोलते हैं यहाँ पे ऐसे 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 पेलिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है मूव करने में हेल्प करती है दे हैव टू फ्लैजला एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है जो कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं और ये कैसे होते हैं भाई फोटोसेंथेटिक अगर सनलाइट प्रेजेंट है तब और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है जैसे कि हमने बातें की भाई कि अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है इट मीनस इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है ओके यहां पे स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दे दीजिएगा ओके वरना भावुक हो जाए कि अरे मैंने तो गलत लिख दिया ये तो बात रह गई सनलाइट की अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा बिहेव करेगा और अगर ऑफ like होंगे उन पे प्रिडेटर की तरह काम करेगा उनसे अपना भोजन बनाएगा इंटरेस्टिंगली पिगमेंट ऑफ आइडेंटिकल टू दो मतलब की ये जो युगलिना है हमारा इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट हैं वो कैसे प्रेजेंट है एज अ हायर प्लांट्स की तरह हर प्लांट्स की तरह इसमें क्या प्रेजेंट है भाई पिगमेंट्स प्रेजेंट है ओके okay. और यूग्लीना जो कि आप एग्जांपल में देख पा ही रहे हो ओके okay. डायग्राम भी देख पा रहे हो और एनिमल्स के तरह एज अ प्रीडेटर की तरह भी काम करता है ओके okay. आगे चलें और यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं भाई स्लाइम मोल्ड्स स्लाइम मोल्ड्स देख पा रहे हो आप तो देखो अभी आप युगलीना पढ़े अब देखो आप कैसे इवॉल्व होते आए हो ओके आपने देखा यहाँ पे हमने देखा कि जो कुछ कैरेक्टर थे युगलीना में युगलीना में अब देखो ये ऑटोट्रॉप की तरह भी काम कर गई तो स्लाइम मोल्ड तो में भी हमें देखते हैं क्या कुछ बातें नई देखने के लिए मिलती हैं अलग देखने के लिए मिलती हैं जो कि हमें क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लेजलेट यू यूग्लिन में नहीं देखने के लिए मिली वो हमें स्लाइम मोल्ड्स में देखने के लिए मिलेंगी जो कि से सिमिलर होंगे एनिमल से सिमिलर होंगे हमने पीछे जो देखा क्राइसोफाइट्स में हमने वहां पे देखा कि जो कैरेक्टर थे प्लांट्स के जैसे थे अब धीरे धीरे एनिमल्स की ओर हम आ रहे हैं है ना हम धीरे धीरे एनिमल्स की ओर तो आ रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स तो हम स्लाइम मोल्ड्स में देखेंगे कि भाई ऑटोट्रॉप की तो बात ही खत्म हो गई स्लाइम मोल्ड में अब ऑटोट्रॉप जैसा कुछ नहीं है स्लाइम मोल्ड्स कैसे होंगे भाई सेप्रोफिटिंग हो गई ये कैसे होंगे भाई सेप्रोफिटिंग होंगे सेप्रो तो आपको पता ही है भाई डेड एंड मटेरियल से ये अपना फूड लेते हैं तो ये कुछ एनिमल जैसे कैरेक्टर आ रहे हैं इसमें हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं स्लाइम मोल्स आर सेक्ट ये कैसे होते हैं सेप्रोफिटिक द बॉडी मूव एलोंग ऑर्गेनिक मटेरियल ये ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं भाई इनगल्फ करते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एंड एग्रीगेशन कार्ड प्लाज्मोडियम विच में भी ग्रो स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ओके तो ये मतलब फेवरेबल कंडीशन में फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं ग्रो करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई प्लाज्मोडियम बोलते हैं और एक बात ध्यान रखिएगा जो हमने पढ़ा था मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम भाई वो अलग है ये प्लाज्मोडियम अलग है फेवरेबल कंडीशन में फेवरेबल कंडीशन में ये कुछ फीट तक ग्रो कर सकता है ओके okay? और अगर वहीं अनफेवरेबल कंडीशन की बात कही जाए अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंसिएट इन फॉर्म ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स और ये क्या बना लेते हैं भाई स्पोर बना लेते हैं ऑन दियर टिप एट दियर टिप ओके द स्पोर्स प्रोसेसर ट्रू वॉल्स ये जो स्पोर्स होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोर बनाते हैं कौन प्लाज्मोडियम्स प्लाज्मोडियम्स जो स्पोर बना लेते हैं उनके पास एक वॉल होती है जो वॉल होती है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है उनकी प्रोटेक्ट करती है और सालों साल एशियन पेंट के जैसे वो भी चल सकती है उसकी प्रोटेक्ट कर सकती है ओके इवन अंडर एडवर्स कंडीशन यहाँ तक कि अगर कोई एडवर्स कंडीशन भी आ जाती है तब भी वो सर्वाइव कर सकता है ऐसी वॉल होती है उसके ऊपर स्पोर के ऊपर अनफेवरेबल कंडीशन के लिए द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाई एयर करेंट्स और ये स्पोर्स एयर के साथ कहीं भी डिस्पर्स कर दिए जा सकते हैं ओके तो यहां पे स्लाइम मोल्ड में आपने क्या देखा ये कैसे हो गए हैं भाई सेप्रोफिटिक हो गए हैं अब अब ये ऑटोट्रॉप वाली तो बात ही, ही खत्म हो गई है ना और यहाँ पे आपने एक बात देखी ये अनफेवरेबल कंडीशन में आ जा रहे हैं तब भी इन्हें कुछ नहीं होना है क्योंकि ये एक वॉल बना लेते हैं कौन प्लाज्मोडियम से एक ऐसी वॉल बना लेते हैं जो एक्सट्रीमली रजिस्टेंट होती है इवन अगर कोई एडवर्स कंडीशन आती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है अब आते हैं प्रोटोजोवंस पे यहाँ पे भी आपने देखा आप एक स्टेप आगे चले हो है ना थोड़ा इवॉल्व हुए हो आप, अब आप जब आते हो प्रोटोजोन्स में प्रोटोजोन्स तो यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही होंगी प्रोटो प्रोटो मींस प्रिमिटिव ए सिंपल एज़ दैट प्रोटो मींस प्रिमिटिव है ना एंड जोंस मींस एनिमल एकदम सिंपल है बातें है ना तो हमें यहाँ मतलब कि प्रिमिटिव एनिमल्स मिल गए हैं कहां पे प्रोटिस्टा में ही हमें प्रिमिटिव एनिमल मिल गए हैं यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे कि जो कि हू बहु एनिमल्स की तरह होंगे बस वो प्रिमिटिव है, है तो समझ ही सकते हैं आप और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे सेलवॉल तो देखने के लिए मिलेगी ही नहीं वॉल खत्म अब अब सेलवॉल खत्म तो यहाँ पे भी आपको कुछ कैरेक्टर इंक्रीज होते दिखेंगे आर प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप जितने भी प्रोटोजोन्स है सब हेट्रोट्रॉप हैं यहाँ पे आपने क्या देखा था सेप्रोफिटिक यहाँ पे आप क्या देख रहे हो एज अ एनिमल ये भी हेट्रोट्रॉप होते हैं ओके एंड लिव एज एज अ अ और पैरासाइट ये प्रीडेटर काम करते हैं या तो किसी को पकड़ के खा लेंगे या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपना जीवन यापन करेंगे किसी और ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंडेंट होंगे दे आर बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल देखो अभी यहाँ पे एनिमल्स के चर्चे भी होने लगे हैं है ना एनिमल्स के चर्चे भी होने लगे अब तो दी आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन तो यहाँ पे प्रोटोजोन के हमें चार ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे जो कि हम देखते हैं ओके दे आर बिलीव इन देखो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कौन है प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल प्रोटोजोवन तो यहाँ पे देखो हम यही तो बात कर रहे हैं ना प्रोटोजोन्स प्रीमिटिव एनिमल तो फिर बात चाहे कह लो आपकी प्रिमिटिव एनिमल या फिर कह लो की प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल बात एक ही है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं हमें यहाँ पे फोर ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं फोर मेजर ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अमिबॉइड प्रोटोजोन्स की तो ये जो अमिबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल तो ये जो अमिबॉइड होते हैं अमिबॉइड प्रोटोजोन होते हैं ये कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं आप इनका हैबिटेट देख पा रहे हो दे ये अपना भोजन कैसे पकड़ते हैं भाई बड़ी यूनिक टेक्निक है बड़ी अच्छी टेक्निक है सपोज दिस इज अ अमीबा एंड ये रहा इसका फूड पार्टिकल तो ये क्या करेंगे ये अमीबा धीरे धीरे ये अपना बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे अब ये ऐसे डायग्राम है इसका तो ये अमीबा हो सकता है ऐसे ऐसे बना ले अपने बॉडी का डायग्राम और इसको इनगल्फ कर ले क्योंकि इसके पास होता है स्यूडोपोडिया ये उस पोड स्यूडो स्यूडोपोडिया मीन्स समझते हैं आप पोडस मीन्स पैर एंड स्यूडो मीन्स झूठा तो इनके पास झूठा पैर होता है भाई तो मतलब ये धीरे धीरे अपने बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और इस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं तो यहाँ पे भाई बातें बोली जा रही हैं कि ये क्या करते हैं ये क्या करते हैं दे आर मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाई पुटिंग आउट आउटोपोडिया जिसे हम क्या बोल रहे हैं फॉल्स फूड बोल रहे हैं और यहाँ पे भी बातें यही बोली जा रही हैं कि ये कैसे काम करते हैं एज अट्रोटॉप्स या फिर प्रिडेटर्स तो प्रिडेटर्स का ही यहाँ पे कह लीजिए काम करना है ये अपने फूड पार्टिकल को जाके इनगल्फ कर लेते हैं ओके एज इन अमीबा ओके okay, तो आपको तो पता ही है कि इसका बेस्ट एग्जांपल बेस्टम बेस्ट एग्जांपल अमीबा होगा मैराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स एंड ऑन सरफेस सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा और पैरासाइट तो आपको पता है कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये एज अ पैरासाइट काम कर सकता है ये ह्यूमन बींग्स पे भी अटैक कर सकता है ओके okay, ये किसका पैरासाइट हो सकता है ह्यूमन बींग्स का भी पैरासाइट हो सकता है और अब हम बात करते हैं फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोवन

Sickness, ये कौन करता है भाई सोमा. अब इसके पास फ्लैजिला है तो ऑब्वियसली आपको पता है फ्लैजिला किस लिए प्रेजेंट होता है ये मूव कर सकता है है ना अब फ्लैजिला है तो मूव कर सकता है और मूव कर कर रहा है इट मींस इसके पास फ्लैजिला है है ना सिलिएटेड प्रोटोजोन्स अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स मीन्स भाई हमें पता है सीलिया है तो इट मीन्स ये भी मूव कर पा रहा होगा है ना इसीलिए सीलिया प्रेजेंट है देखो हमने पढ़ा है कि अगर फ्लैजिला है या फिर सीलिया प्रेजेंट है इट मीन्स ये मूव कर लेगा जैसा कि अभी हमने बातें बोली कि अगर सीलिया या फ्लेजिला है इट मीन्स ये मूव कर पाएगा और मूव कर रहा है तो इट मीन्स इसके पास फ्लैजिला या सीलिया कुछ जरूर होगा दीज आर एक्वेटिक इसका हैबिटेट देख लो ये एक्वेटिक हो सकते हैं देखो यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिवली मूव क्यों कर रहा है Because of इसके पास क्या है? Thousands of होती है हैं। हैं, जैसे वगैरह हो गया आपका, है ना? They have a cavity, जिसे आप गलेट बोलते सेल सर्फेस जो कि सेल सर्फेस के बाहर खुलती है जैसे कि ये आपका पैरामीशियम है तो यहाँ पे कहीं एक कैविटी होगी जिसे हम क्या बोलेंगे गट बोलेंगे द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया वॉटर लेडन विद फूड एंड फूड टू बी स्ट्रीट इन टू ऐसे चक्कर मारेगा फिर यहीं से आउट भी हो जाएगा ओके और यहाँ पे प्रेजेंट होंगी सीलिया और इस सीलिया से ये लोकोमोशन करेगा एक्सट्रीमली मतलब कि एक्टिवली मूविंग करेगा एक्टिवली मूव होगा भाई एंड यहाँ पे अब आगे क्या बातें कही जा रही है हा इसका एग्जाम्पल पैरामीसियन पैरामीशियम का डायग्राम भी ऐसा ही है फोर्थ नंबर पे अब हम क्या देखते हैं स्पोरोजोन्स तो स्पोरोजोन्स में इनके नाम से ही देखो बातें समझ में आ रही हैं स्पोरोजोन्स ये ह्यूमंस के लिए भाई काफी ज्यादा हार्मफुल हैं इनमें इन्फेक्शियस स्टेज देखो स्पोरोजोन्स तो यहाँ पे जो इनकी स्पोर वाली स्टेज आएगी ना स्पोर वाली स्टेज वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगी वो इन्फेक्शियस होगी दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्टेज इस इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल तो इनकी पूरी लाइफ साइकिल में जो स्पोर वाली कंडीशन आएगी स्पोर वाली स्टेज आएगी वो इन्फेक्शियस होगी hmm. और यहाँ पर ध्यान रखिएगा दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स कोई ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक ऑर्गेनिज्म है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म पे भी देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पे बात कही जाए सबसे ज्यादा खतरनाक सबसे ज्यादा प्रचलित प्लाज्मोडियम जिसे हम क्या बोलते हैं भाई मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं विच कॉज मलेरिया तो प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम भाई ये कैसा है मलेरियल पैरासाइट है मलेरियल पैरासाइट इसके सिम्टम्स क्या है जुकाम बुखार हेडक तो ये सब इसके ये सब इसके सिम्टम्स है विच कॉज मलेरिया ये क्या कॉज करता है भाई मलेरिया प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है मलेरिया और ये प्लाज्मोडियम है क्या स्पोरोजोवंस और ये क्या है भाई एक प्रोटोजोआ है और इस डिजीज मलेरिया ने ना जाने कितने ह्यूमंस को इफेक्ट किया है तो होप है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी ओके तो यहाँ पे यार बातें ही क्या क्या हमने की हैं ओके हम अभी तक क्या पढ़े मोनेरा पढ़े है ना फाइव किंगडम पढ़ना है हमें मोनेरा पढ़े प्रोटिस्टा मोनेरा में हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा को भी हमने यहाँ फोर मेजर पार्ट में डिवाइड किया है क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लेजलेट यू यूग्लिनाइट स्लाइम मोल्स प्रोटोजोन तो यहाँ पे हमने इसे भी पांच मेजर पार्ट में डिवाइड किया है ओके तो मोनेरा लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं ये कैसा है यू कैरियोट है तो so, हमने यहाँ पे ये यू कैरियो सॉरी प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा में हमने ये भी देखा कि भाई प्रोटिस्टा की कोई कैरेक्टर्स की कोई बेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है ओके okay. इस किंगडम में कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है तो इन बाउंड्रीज ना होने की वजह से हमने इन्हें पांच भागों में डिवाइड कर दिया है पांच कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ओके तो इन पांच पार्ट में हम जब देखते हैं कि एक से पांचों पार्ट हम जब पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्लांट से प्लांट से एनिमल की ओर चल रहे होते हैं हम प्लांट से एनिमल की ओर चल रहे होते हैं है ना यही सारी हमने यही सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी ओके तो आगे हम क्या पढ़ेंगे प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके हैं अब हम क्या पढ़ेंगे फंजाई देन प्लांटी ओके देन एनिमिलिया तो एनिमिलिया के बारे में तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ही बातें कही गई हैं चैप्टर नंबर फोर्थ में हम पूरा ओके एनिमल किंगडम ही पढ़ेंगे ओके okay? तो यहाँ पे एनिमल के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है एंड प्लांट का भी सेम ऐसा ही है फंजाई हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ओके तो यार ये तीनों किंगडम देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियोस के के नोटिफिकेशंस मिलते रहें तो यार आज वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके और हाँ यार अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप और हम बने रहें लास्ट तक और आपकी भी हेल्प हो सके आपके एग्जाम में और लास्ट के चैप्टर चैप्टर फर्स्ट अपलोड हो चुका है आपने नहीं देख रखा है दिन जरूर देख लीजिए मिलते हैं चैप्टर टू के नेक्स्ट पार्ट में ओके सेकेंड पार्ट में ये तो रहा हमारा पार्ट फर्स्ट आज हमने देखा एंड अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड तो ठीक है भाई बाय बाय मिलता है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में चैप्टर टू के इफ यू वांट टू मोर वीडियो सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब एम डॉट एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय बाय मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ओके okay.